तो चलो भैया, हम आपको जो पिछली क्लास में पढ़ा रहे थे उसी के आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। हम ये पढ़ा रहे हैं आपको रिलेशन बिटवीन मेटल मेटल आयन हाफ सिल एंड मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट अनायन हाफ सिल। नहीं दोस्त, जैसे जैसे सपोज करिए, जो हमने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था उसी के बेसिस पे हम बोल रहे हैं, एक मेटल है सिल्वर का, सपोज करो एजी का मेटल है सिल्वर, उसको एजी एनओ थ्री में डिप कर दिया या एजी प्लस में डिप कर दिया, सिल्वर के मेटल को एजी प्लस में डिप कर दिया, और इसको एक एक्सटर्नल वायर के थ्रू किसी ऐसे एक मेटल मेटल आयन कपल से जोड़ दिया जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब उससे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ रहे हैं, और ये क्या है, एजी प्लस है, एजी प्लस है या एजी एनओ थ्री है इसके अंदर, तो यही तो मेटल मेटल आयन हाफसेल होता है। तो अगर यहाँ पे इस साइड कोई मेटल मेटल आयन कपल लगा हुआ है जिससे इलेक्ट्रॉन आ रहा है, यहाँ पे ये वाला ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब यहाँ पे सॉरी रिडक्शन होगा, इलेक्ट्रॉन आएगा, इलेक्ट्रॉन सपोज करो आ रहे हैं, आ कहाँ से रहे होंगे, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, दूसरा कोई इलेक्ट्रोड होगा इधर की तरफ, ठीक है। तो मेरे दोस्त होता क्या है यहाँ पे, आप बोलोगे सर यही रिएक्शन होती है, एजी प्लस एक्वस फॉर्म में लिखा है, प्लस इलेक्ट्रॉन है, और ये क्या बन जाएगा, एजी सॉलिड, यही मेटल मेटल आयन हाफ सेल कपल होता है। इसके लिए नास्ट इक्वेशन लिखते हो, तो नास्ट इक्वेशन क्या लिखते हो इसके लिए भैया, ई एजी प्लस एजी इज इक्वल टू ई नॉट एजी प्लस एजी, एजी प्लस एजी है ना, माइनस 0.0591 अपॉन 1 आएगा, दो इलेक्ट्रॉन थोड़ी है, और लॉग के अंदर क्या आएगा मेरे दोस्त, 1 अपॉन AG+ आएगा। तो भैया यही तो है, ठीक तो है एकदम, 1 अपॉन AG+ हो गया, क्या ये मेटल मेटल आयन हाफ सेल हो गया दोस्त। और अभी हमने कल ही आपको पढ़ाया था, अलग से बता देते हैं, मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट अनायन रेफरेंस हाफ सेल, उसको आपने कैसे देखा था कि एक मेटल की रॉड है, जैसे सपोज करो यहाँ पे हमने वही सिल्वर की रॉड लगा दी और बाहर उसको एक्सटर्नल सर्किट से जोड़ दिया, वो एक्सटर्नल सर्किट से इलेक्ट्रॉन आ रहे होंगे, और वो इलेक्ट्रॉन एक्चुअली में कहाँ से आ रहे होंगे, कोई दूसरा मेटल मेटल आयन कपल हो रहा होगा, होगा जिसपे ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो यहाँ पे जब हमने सिल्वर लिया हुआ है, तो इस सिल्वर पे फिर उसके बाद हमने कोटिंग कर दी थी, किसकी कोटिंग की थी, इसी के एक इनसॉल्युबल सॉल्ट की कोटिंग, याद है, तो इसी का इनसॉल्युबल सॉल्ट AgCl AgBr AgI कोई भी, मतलब इनसॉल्युबल सॉल्ट का मतलब किसी मेटल का किसी हैलाइड के साथ जो प्रेसिपिटेट बनता है, जैसे AgCl का व्हाइट PPT, AgI का येलो PPT एंड सो ऑन। तो Ag पे हमने क्या कर दिया, ये कोटिंग जो की हुई है रेड पेंसिल में दिखाया है आपको, तो ये जो कोटिंग की है रेड चौक वाला, इसको हम बोल देते हैं सपोज करो AgCl, ठीक है, व्हाइट PPT होता है, तो बोलोगे सिल्वर की रॉड है उस पर उसी का एक इनसॉल्युबल सॉल्ट कोट कर दिया, कोट COAT कोटिंग है ना, लेयर चढ़ा दी उस पे, और उसको डिप कर दिया किसमें, जो ये इनसॉल्युबल सॉल्ट का अनायन है ना इसी में डिप कर दिया। इनसॉल्युबल सॉल्ट का अनायन कौन सा है, Cl माइनस, इसमें डिप कर दिया, एक्वस फॉर्म में है, ठीक है भैया। तो एक्सटर्नल वायर से जब इलेक्ट्रॉन्स आएंगे यहाँ पे, तो ये मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट अनायन रेफरेंस हाफ सेल के हमने नास्ट इक्वेशन लिखी थी, क्या लिखे थे, ई ऐसे Cl माइनस फिर AgCl, लिखने का तरीका याद रखो भैया, क्वेश्चन आ जाएगा तो तुमको लगेगा बहुत डिफिकल्ट है, अगर ये सब नहीं देखे होगे तो, E नॉट Cl माइनस AgCl और Ag और माइनस 0.0591 अपॉन 2, और लॉग के अंदर क्या लिखोगे मेरे भाई, अपॉन 1 लिखेंगे ना, 1 लिखेंगे सॉरी, और यहाँ पे Cl माइनस, अब तुमको लगे सर इक्वेशन तो आपने लिखी नहीं, अरे कल लिखे थे ना, इक्वेशन लिख दे फिर से, लो इक्वेशन लिख देते हैं कि भाई जब एक्सटर्नल बाहर से इलेक्ट्रॉन आएगा, तो जो AgCl की आपने कोटिंग की हुई है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा और खुद बना देगा सिल्वर में, और Cl माइनस को फर्निश कर देगा, और वो Cl माइनस है क्या, Cl माइनस वही है जो सॉल्यूशन में बैठो दोस्त, क्लियर है, इक्वेशन ये है, नेक्स्ट इक्वेशन ये है इसकी, तो ये नेक्स्ट इक्वेशन आपने देखा कि किसकी है, ये नेक्स्ट इक्वेशन आपको समझ में आ रही है,
कि मेटल मेटल आयन और ये करके जो लिखा हुआ है उसकी, ठीक है आगे बताएं भैया, जल्दी कॉपी करो दोस्त। तो अभी हम आपको रिलेशन बताने जा रहे हैं, तुम बोलोगे सर आप तो लिखे थे हेडिंग रिलेशन और ये दोनों अलग अलग आप बता रहे हो, अरे पिछली क्लास का रिवीजन करवा रहे थे, रिलेशन क्या होता है इन दोनों में वो देखिए। बताए भैया ऑनलाइन वालों कॉपी कर लिया, दिख रहा है तुम लोगों को, ऐसा तो नहीं बोलो कि नहीं दिख रहा है। यस सर। अच्छा ठीक है, हम आपको रिलेशन बता रहे हैं ठीक है, और ध्यान रखना ये E इज इक्वल टू E नॉट प्राइम समथिंग है, रिलेशन बता रहे हैं जो कि एक्चुअली में एक नेस्ट इक्वेशन की तरह आ रहा है। तो रिलेशन जो आ रहा है उससे देखो पहले रिजल्ट है, पहले रिजल्ट बता रहे हैं फिर प्रूफ देते हैं। रिलेशन ये होता है E नॉट Cl माइनस AgCl और Ag इज इक्वल टू E नॉट Ag प्लस Ag, और यहां पे आता है प्लस 0.0591/1 log Ksp ऑफ AgCl। Ksp, Ksp किसका, अरे जो वही मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट है उसी का तो Ksp होता है, और किसका Ksp होगा, समझ रहे हो भैया Ksp किसका होगा। यह एक रिलेशन है, बहुत लोग इससे जिनको कुछ नहीं पता होता वो कंफ्यूज होते हैं नेस्ट इक्वेशन से कि ये नेस्ट इक्वेशन बिल्कुल नहीं है, नेस्ट इक्वेशन नहीं है, रिलेशन ये है। और सुनो रिलेशन में इंटरेस्टिंग चीज, ये भी E नॉट है, E नॉट और ये भी E नॉट है, रिलेशन है ना, हम तो रिलेशन को एम्फसाइज कर रहे हैं। E नॉट मतलब इसका ये वाला कहाँ गया, ये E नॉट ठीक है, और इसका ये E नॉट, और फिर उसके बाद क्या आ रहा है, ये सीधे लॉक ऑफ Ksp करके आ जा रहा है, समझ रहे हो दोस्त कैसे आ रहा है। रिलेशन याद कर लोगे तो पहले तो रिलेशन याद करो, ये बीच में प्लस साइन है माइनस है नहीं, क्या है E नॉट, स्टैंडर्ड कंडीशन में जो होता है रिडक्शन पोटेंशियल मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट आयन रेफरेंस हाफ सल्का और मेटल मेटल आयन हाफ सल्का, उनके बीच में रिलेशन है ये ठीक है। ऑल्दो ये रिलेशन नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में बनाया गया है लेकिन आ रहा है रिलेशन ये स्टैंडर्ड कंडीशंस वाले के बीच में, तो दिस इज इक्वल टू दिस, ये अपने आप में एक रिजल्ट ही बहुत बड़ी चीज है, प्रूफ तो अलग चीज है ना भैया, कॉपी करो इसको जल्दी से। तो रिलेशन बिटवीन मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट अनायन रेफरेंस हाफ सेल एंड मेटल मेटल आयन हाफ सेल, और ये रिलेशन होता है जो ये रिलेशन है वो एक्चुअली में स्टैंडर्ड कंडीशन में है, बहुत ध्यान से केयरफुली लिखना, और ये नेस्ट इक्वेशन नहीं है, ये एक रिलेशन है, रिलेशन ये रिलेशन एक्चुअली में डिराइव किया गया है कहीं से, कैसे डिराइव किया गया है अभी बता देंगे आपको। तो ये रिलेशन है ठीक है भैया, रिलेशन बिटवीन मेटल मेटल आयन रेफरेंस हाफ सेल एंड मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट अनायन रेफरेंस हाफ सेल। तो पहले तो हमने आपको मेटल मेटल आयन हाफ सेल और मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट अनायन हाफ सेल के बारे में बता दिया, और कल भी बताया था, आज फिर से रिवाइज करा दिया ये वाला और ये वाला, और उसके बाद इन दोनों के हेल्प से हमने एक रिलेशन फाइनली ये बना दिया नीचे एकदम। अब ये रिलेशन का प्रूफ अलग होता है, ये एक जस्ट रिलेशन है, ये लिख लेना कि दिस इज नॉट अनास्ट इक्वेशन, ये अनास्ट इक्वेशन थोड़ी है, ये एक रिलेशन है, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, नेस्ट इक्वेशन तो स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में रिडक्शन पोटेंशियल्स के बीच में रिलेशन होता है ना, नेस्ट इक्वेशन होता क्या है, स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में है ना, किसी सेल किसी के हाफ सेल या फुल सेल के रिडक्शन पोटेंशियल्स के बीच में रिलेशन होता है, और ये भैया दो अलग अलग सेल्स हैं उनके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स के बीच में रिलेशन है, सोचो दो अलग अलग सेल्स हैं, क्यों अलग अलग साले क्यों ये, अरे मेटल मेटल आयन अलग होता है, मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट आयन अलग होता है समझ रहे हो तो दो अलग अलग हाफ सेल्स हैं उनके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स के बीच में रिलेशन है, और नेक्स्ट इक्वेशन क्या होता है, वो एक ही सेल के या एक ही हाफ सेल के स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल और नॉन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के बीच में रिलेशन होता है, जिसको बोलते हैं E
इज इक्वल टू ई नॉट माइनस समथिंग समथिंग समथिंग, ऐसे करके। और यहाँ पे तो ऐसा ई थोड़ी आ रहा है, तो ई नॉट, ई नॉट आ रहा है। ये रिलेशन है, अभी इसका प्रूफ दे रहे हैं। ठीक है भैया, आपको शुरुआत से हम ये भी बता चुके हैं, फॉर अ सेल टू बी स्पॉन्टेनियस इन फॉरवर्ड डायरेक्शन ई सेल मस्ट बी पॉजिटिव, डेल्टा जी सेल मस्ट बी नेगेटिव। समझ रहे हो? नहीं समझ में आ रहा है? इसका प्रूफ अभी हमसे पूछ लेना है ना, हम नहीं भूल जाएंगे, अभी प्रूफ थोड़ी देर बाद बताएंगे। क्या रिलेशन से फैमिलियर हो? सब लोगों को समझ में आ रहा है भैया? अबे ऑनलाइन वाले तुम लोग साले बोलते नहीं हो तुम लोग। हाँ, ये समझ में आ गया आप लोगों को। अब देखो, अभी हम वो आपको बता दे थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। जैसे अब आपसे कोई पूछे, ठीक है सर आपने हमको सब समझा दिया, इलेक्ट्रोलिटिक सेल पूरा पढ़ा दिया, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बता दिया, गैल्वेनिक सेल, डैनियल सेल, वोल्टाइक सेल, इसमें आपने बता दिया कि अगर सेल कोई काम कर रहा है तो उसका ई सेल पॉजिटिव होगा और डेल्टा जी सेल नेगेटिव होगा। कोई बोले चलो हम तुम्हारी बात मान लेते हैं, हम एक सेल लेते हैं जो कि स्पॉन्टेनियस है इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो इफ सेल इज स्पॉन्टेनियस इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, दैट मीन्स डेल्टा जी सेल इज नेगेटिव, ई सेल इज पॉजिटिव। कोई पूछे जरा डेल्टा एच के बारे में बताओ और एंट्रोपी के बारे में बताओ। कोई बोले थर्मोडायनेमिक्स लगाते हैं, जैसे आपने बोला कि जिंक की रॉड जिंक सल्फेट में, कॉपर की रॉड कॉपर सल्फेट में डिप करके अमीटर के थ्रू जोड़ दिया गया, करंट का फ्लो होगा, आराम से होगा, वो जानते हो। कोई बोले ठीक है आपने करंट का फ्लो बता दिया, ई सेल की वैल्यू आएगी नेक्स्ट इक्वेशन से। तो वैसे ही कोई बोले डेल्टा जी सेल की वैल्यू बताओ, तो डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई कर देना। कोई पूछे हमें भैया आप डेल्टा एच की वैल्यू बताओ, एंट्रोपी कितनी चेंज हुई वो बताओ, तो उसके लिए थर्मोडायनेमिक इक्वेशन चाहिए तुम्हें। ठीक है, लिखिए कैलकुलेटिंग, कैलकुलेटिंग हेडिंग लिखो, कैलकुलेटिंग एंथैल्पी चेंज, कैलकुलेटिंग एंथैल्पी एज एंथैल्पी कॉमा एंट्रोपी, कैलकुलेटिंग एंथैल्पी कॉमा एंट्रोपी एंड गिव्स फ्री एनर्जी एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, कैलकुलेटिंग एंथैल्पी एंट्रोपी एंड गिव्स फ्री एनर्जी एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, कैलकुलेटिंग एंथैल्पी एंट्रोपी एंड गिव्स फ्री एनर्जी, है ना, एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल विच इज स्पॉन्टेनियस इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, है ना, एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल विच इज स्पॉन्टेनियस इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, जो कि स्पॉन्टेनियस है, एक ऐसा सेल जो स्पॉन्टेनियस है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है भैया, कोई भी सेल ले लो, अरे वही जो अभी बताया जिंक की रॉड जिंक सल्फेट कॉपर की रॉड कॉपर सल्फेट। तुम बोलोगे सर हम तो जानते हैं, बड़ा अच्छे से जानते हैं, क्या जानते हो, कुछ चीजें तो जानते हो इसमें, क्या जानते हो? बहुत बढ़िया बोलोगे, वी नो दैट, कि हमें पता है क्या कि डेल्टा जी सेल जो होता है, चाहे हाफ सेल चाहे फुल सेल, वो क्या होता है, माइनस एन एफ ई सेल, यही तो होता है। एन क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब ई सेल अगर तुमको पता लग जाए तो डेल्टा जी सेल पता लग जाएगा। और ई सेल क्या होता है, हाँ ये निकाले हो तुम, क्या ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन और लॉग क्यू, अरे रिएक्शन क्वेश्चन कोई इक्वेशन थोड़ी दी है, तो क्यू लिखोगे, तो तुम्हें बोलोगे कि सर डेल्टा जी सेल हम निकालेंगे इससे ई सेल से, ई सेल ये होता है, ई सेल में क्या होता है, ई नॉट क्या होता है, ई नॉट सेल, अरे इसमें अननोन कौन, वो होता है रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, रिडक्शन पोटेंशियल मतलब सब एक चीज बता रहे हैं, ऑफ कैथोड माइनस, माइनस लगाते हैं ना, क्या लिखते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, है ना भैया, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, तो कैथोड और एनोड। अभी और भी है, तुम बोलोगे सर ई नॉट सेल आ गया,
एन क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्यू क्या होता है? क्यू रिएक्शन कोशेंट, केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ चुके होंगे रिएक्शन कोशेंट। कोई बोले ठीक है इतनी चीजें हम समझ गए, अब ज्यादा ना बताओ। कोशेंट हमको ये बताओ डेल्टा एच कैसे निकालेंगे, एंथैल्पी चेंज। तो तुम बोलोगे सर हम एक इक्वेशन जानते हैं डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, इसमें सब अननोन है, तुम्हें सिर्फ डेल्टा जी पता है ना, डेल्टा जी सेल लगा सकते हो, डेल्टा जी सेल इज इक्वल टू डेल्टा एच सेल माइनस टी डेल्टा एस, इसमें सिर्फ तुमको डेल्टा जी पता है, हमें डेल्टा एच डेल्टा एस थोड़ी पता है, दो दो अननोन आ गए भाई। ये जो इक्वेशन जैसे ये बता रहे हो तुम लोग कि सर ये इक्वेशन से हम कोशिश करेंगे, लेकिन इस इक्वेशन में तो भैया अननोन दो आ गए, समझ रहे हो, अननोन दो है, डेल्टा एच भी अननोन है, डेल्टा एस भी अननोन है, और डेल्टा जी तुमको पता है, डेल्टा जी सेल, समझ रहे हो भैया। अरे किसी सेल के लिए तो डेल्टा एच सेल माइनस टी डेल्टा एस सेल, ऑनलाइन वालों दिख रहा है सेल सेल जो लिख रहे हैं छोटा छोटा, हाँ तो ये डेल्टा जी सेल डेल्टा एच, अभी भी फंस गया मामला, इसका मतलब कुछ हमें इक्वेशन और एक चाहिए है ना, तो बताने जा रहे हैं तुम लोग को गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, एक नई इक्वेशन है जो किसी भी सेल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में डेल्टा एच एंथैल्पी चेंज कितना हुआ है, एंट्रोपी चेंज कितना हुआ है वो बताती है, उसे बोलते हैं हम लोग गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। गिब्स और एक और साइंटिस्ट है हेल्महोल्ट्ज, ऐसे एच ई एल एम H O L T Z, Gibbs Helmholtz equation, है ना दोस्त? क्या होती है वो, सुनो 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 देख लो पहले, साले छापने लगते हो, वो ये होता है कि डेल्टा G जो होता है वो होता है डेल्टा H, ऐसे लिखा उन्होंने, प्लस T टाइम्स, ऐसे T टाइम्स डेल बाई डेल टी ऑफ डेल्टा जी, ये होता है, ये बोले गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन है, समझ रहे हो? बोलोगे अरे ये तो ऐसे ही दिख रही है, बस तुम्हें कंपेयर करना है बस, अरे ये तो जानते हो बचपन से डेल्टा जी सेल इज इक्वल टू डेल्टा एच सेल माइनस टी डेल्टा एस सेल, ये जानते हो तो मेरे भाई ये डेल्टा जी, ये हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन क्या होती है, गिब्स हेल्महोल्ट्ज, ये लिखी हुई है हमने कि डेल्टा जी इज इक्वल टू सेल के लिए ही है सेल, डेल्टा जी सेल इज इक्वल टू डेल्टा एच सेल प्लस टी टाइम, प्लस टी टाइम्स डेल बाय डेल टी, पार्शियल डिफरेंशियल है ये, डेल बाय डेल टी, पार्शियल डिफरेंशिएशन जानते हो ना, हाँ तो डेल बाय डेल टी और बीच में प्लस साइन लगा है। अब एक काम करो, जो ऊपर वाली जो इक्वेशन है और ये वाली इक्वेशन, इन दोनों के कंपेरिजन कर दो, कंपेरिजन समझते हो, अरे कंपेयर कर दो, लेफ्ट साइड क्या है डेल्टा जी है, डेल्टा एच है, इसका मतलब एंट्रोपी यहां से आ जाएगी, हम कंपेयर कर रहे हैं, रुक जाओ जल्दीबाजी ना करो, थोड़ी देर देखो, इसका मतलब है कि जो माइनस टी डेल्टा एस है उसकी जगह ये प्लस टी कर देंगे, टी टी कट गया, तो कंपैरिजन पे हम लोग बोलेंगे कंपेयर या कंपैरिजन ऑफ अबव टू इक्वेशंस, जो टू इक्वेशंस लिखी हुई है इनका कंपैरिजन करेंगे, ऑन कंपैरिजन। तो यहां से हम लिखेंगे डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा एस सेल सेल इज इक्वल टू माइनस टाइम्स डेल बाई डेल टी ऑफ डेल्टा जी सेल आएगा, और डेल्टा जी सेल क्या होता है भाई, माइनस एनएफई होता है, नहीं समझ रहा हूं, ये माइनस साइन वहां पे बाहर है, तो फिर से हम इसको करेंगे माइनस टाइम्स ये और डेल बाई डेल टी ऑफ क्या माइनस एन एफ ई सेल, यही करोगे भैया, माइनस बाहर निकल जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, और एन और एफ तो ऐसे ही होते हैं कांस्टेंट, तो ये आ गया हमारा, और ई सेल जो होता है तो भैया एक ही वेरिएबल है जैसे x, तो डेल हटके अब d आ जाएगा, d by dt of e cell, और ये t टाइम नहीं है,
ये टेम्परेचर है, समझ में आ रहा है दोस्त? अगर ई सेल पूरा कांस्टेंट हो गया तो हम बोलेंगे भाई डेल्टा जी सेल ये क्या आएगा, जीरो आ जाएगा। तुम्हें क्या लगता है कांस्टेंट होगा ये ई सेल? बताओ किसी रिएक्शन का कांस्टेंट होता है? कभी जिंदगी में कांस्टेंट नहीं होता। क्यों नहीं होता? सुनो, मतलब जब तक कहा ना जाए। तुम बोलोगे सर हमने, हम तुमको बता रहे हैं ई सेल, ये डीई बाई डीटी जो है वो जीरो क्यों नहीं है? क्योंकि ई सेल कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि कोई भी सेल रिएक्शन होगी तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, तो फॉरवर्ड जाएगी रिएक्शन कोशेंट क्यू की वैल्यू चेंज होगी। तो अगर फॉरवर्ड जाएगी रिएक्शन कोशेंट क्यू की वैल्यू चेंज होगी, इसका मतलब ई सेल कंटिन्यूअसली चेंज होता रहेगा। तो जब ई सेल कंटिन्यूअसली चेंज होता रहेगा तो ई सेल वेरिएबल नहीं कहा जाएगा, कॉन्स्टेंट कैसे हुआ फिर? जैसे जिंक की रॉड जिंक सल्फेट में, कॉपर की रॉड कॉपर सल्फेट में वन मोलर में डिप कर दो, तो भैया जैसे जैसे टाइम चेंज होगा भैया वो अलग अलग चेंज नहीं होती जाएगी वो, क्योंकि कंसंट्रेशन सबके बदलते जाएंगे। तो इसका मतलब ये है डेल्टा एस सेल की वैल्यू निकाल लोगे, एंट्रोपी आज के बाद क्या लिखोगे कहीं भी किसी भी सेल की एंट्रोपी, डेल्टा एस सेल अगर तुम्हें लिखना होगा किसी उसमें तो लिखोगे एन एफ इंटू डी वाई डी टी ऑफ ई सेल। रुको अभी रुक जाओ, कोई बोले ये डी वाई डी टी हमको अच्छा नहीं लग रहा है, तो अलग से कभी कभी कुछ बुक्स है जिनमें लिखा, एक बार आईटी में आ चुका है ये एडवांस में बहुत पहले, जाके देख लेना। इस पूरे टर्म को जो डी वाई डी टी ऑफ ई सेल है, इस पूरे टर्म को बोलते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ सेल, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ सेल के नाम से इस डी बाई डी टी को दिया जाता है, ठीक है? तो एग्जाम में आपको क्या मिलेगा, बोलेंगे एक सेल है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जिसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट की वैल्यू 2, 3, 4, 5 कुछ भी लिख देंगे, डी बाई डी टी की वैल्यू है ना भैया, एन एफ से मल्टीप्लाई कर दो, एंट्रोपी चेंज आ जाएगा। और एंट्रोपी चेंज क्या आ रहा है पॉजिटिव, अबे डी बाई डी टी तो पॉजिटिव होगा, तो एंट्रोपी ऑब्वियसली कोई भी प्रोसेस क्यों होता है इस दुनिया में, एंट्रोपी बढ़ाने के लिए, रैंडमनेस बढ़ाने के लिए ही तो होता है, तो रैंडमनेस बढ़ तो रही है। ऑनलाइन वालों समझ में आ रहा है दोस्त? यस सर, यस सर, आ रहा है सर। और मेरे भाई बहुत बढ़िया, जब तुम्हारे पास ये आ गया, अरे डेल्टा एस सेल आ गया, डेल्टा जी सेल आ गया, तो साले ये डेल्टा एच सेल नहीं निकाल पाओगे, आ जाएगा सब? तो अभी देखो ये बहुत बड़ी चीज है, नॉर्मली लोग क्या होता है वो जिंदगी उनकी बीत जाती है ई सेल और डेल्टा जी सेल में। एक बार आईआईटी ने एडवांस में पूछा हुआ, हम तुमको क्वेश्चन दिखा सकते हैं पुराने 40 इयर्स के पेपर्स में मिले हुए, 2001-2002 के आसपास का है वो, समझ रहे हो भैया? लेकिन अब फिर क्या है दोस्त उसने कि भाई जब पूछा था ऐसे तो अब फिर से दोबारा पूछ सकते हैं, या मेन वाले भी पूछ सकते हैं, कुछ कह नहीं सकते कौन कहाँ पूछ ले। तो ये आपको पता होना चाहिए कि एक सेल जब काम करता है, सेल तो अपने आप, तुमने क्या अमीटर में जाके सुई को पकड़ के इसे खींचे थे क्या, अपने आप ही चली थी ना उसकी नीडल इधर उधर हुई थी, स्पॉन्टेनियस होगी, डेल्टा जी नेगेटिव होगा, एंट्रोपी बढ़ रही होगी, डेल्टा एच भी हो सकता है नेगेटिव आए, वैसे नेगेटिव ही आता है जनरली। कॉपी कर लो इसको, कॉपी कर लो। अब चलो जो भी होगा डेटा देखा जाएगा ना, अब भाई डी वाई डी टी नेगेटिव भी हो सकता है अगर तुम चाहोगे तो, ठीक है अब क्वेश्चन आने दो, वैसे पॉजिटिव होता है। अब चलो क्वेश्चन देखा जाएगा ना, क्वेश्चन मिलेगा तो करेंगे उसमें। पॉजिटिव नेगेटिव पे हम लोग ज्यादा ना सोचे, पहले ये सोचो कि ये है क्या, और जो सब्सक्रिप्ट में सेल लिखा है उसको लिख लेना, और अगर कंफ्यूजन हो तो पूछ लेना, नहीं तुमको लगे पता नहीं क्या लिखा है तुम लोग कुछ भी लिखते चले जाओ अपने कॉपी में, थोड़ा सा वो समझ के पूछ लेना कि सर लिखा क्या है, बातें कर लेना कि क्या लिखा है, ऐसे ऐसे मना थोड़ी करेंगे क्या दोस्त? बहुत कम आते हो दोस्त, कभी कभी आते हो कभी कभी नहीं आते हो, ऑल्टरनेट दिन बना रखे हो तुम्हें भैया। एक दिन ये आता है एक दिन ये, हाँ तुम में से कुछ आते हो फिर एक दिन गायब मार जाते हो फिर एक दिन आते हो,
कुछ का विचारों का बहुत दूर पड़ता है अगर हमसे बात कर। नमस्ता से तुम आ जाते हुए, ये देखो भाई ये डेडिकेशन होता ही है। अरे ये निकम्मे घर वाले बैठे जो यहाँ पे ऑनलाइन वाले, ये कितने नवस्था से भी दूर है क्या तुम्हारा घर? वो देखो वहां जरूर हो जाता है भाई क्या दोस्त। तुम किदवई नगर से आते हो? अबे किदवई नगर तो बगल में, इतना तुम पैदल चले आए हुए। सर हम जाजमऊ से आते हैं। हाँ ठीक है, तुमने बताया था ठीक है। जाजमो तुमको नहीं कह रहे हैं, दिल पे ना ले लो भैया तुम लोग, नहीं तो तुम बोलो कि देखो सर हमको ऐसा कह रहे हैं, ऐसे ही मजाक कर रहे हैं ये लोग सेंटर वाले जो है। तुम कुछ कल्याणपुर से आते हैं, वो भी बहुत दूर, कुछ पनकी से आते हैं भाई, बहुत बहुत दूर हो जाता है। हम तो ये तुम लोगों को कह रहे हैं, तुम्हारे घर वाले भैया बहुत खुशी देने लगे हैं, तुम लोग को घर से निकलने नहीं देते हैं, तुम लोगों को हिलो नहीं बेटा, घर में बैठो खाओ पियो मस्त। अगले 4 साल कॉलेज में जाओगे तुम लोग, अच्छा लगेगा कॉलेज जाकर। आओगे नहीं, फर्स्ट ईयर में क्रेज होगा तुम लोग को घर आने का, सेकेंड ईयर से कोई फेस्टिवल वेस्टिवल सा वही कॉलेज में मनाया जाएगा। होपफुली कोई फिर से कोई चाइनीज टाइप से वायरस ना आ जाए। दवाई रेगुलर मिलती है ना वहां पे? अच्छा हाँ कॉलेज में कुछ मेडिसिन भी मिलती रहती है अच्छी वाली। जेईई मेन के थ्रू हो गया है वो, जेईई मेन के थ्रू है। अब जेईई मेन के थ्रू सारे कॉलेजेस हो जाएंगे, अगर अभी है भी नहीं ऐसा। जेईई मेन के थ्रू होता है, जेईई मेन के थ्रू नहीं, ऐसा नहीं है। कोई भी कॉलेज अलग से अपना एग्जाम अब क्यों कराएगा जब जेईई मेन के थ्रू गवर्नमेंट कह दे रही है तो। चलो दोस्त कॉपी कर लिए, आगे बताएं। पढ़ाई कर लो मस्त जाके कॉलेज में, अगले साल से 4 साल बढ़िया से मौज करो, फिर सर नौकरी वोकरी पेड लो, हॉलीडे पैकेज। पेड हॉलीडे पैकेज, मस्त पैसे कमाओ अच्छे से, लाइफ सेटल करो। कॉलेज में लेकिन तुमको लगेगा भाई पढ़ाने वालों की कमी है, वो पढ़ाते थोड़ी है कॉलेज वाले, किसी भी कॉलेज वाले से पूछो तुमको लगेगा फिर यही लोग सारे लोग सही बताते थे। अपनी नहीं बात कर रहे हैं मतलब, और यार अब ठीक है क्या करें। हेलो कॉलेज वाले प्रोफेसर, हाँ पीडीएफ, और उसमें वो भी कुछ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होता है ना, कॉपी कर लिया है। हाँ सर आप आ जाइएगा वहां पे खुल के पढ़ाएंगे। हाँ पढ़ाने का तो है, लेकिन वो पढ़ाने तो वो लोग वो मांगते हैं ना कॉलेज वाले, पीएचडी होना चाहिए, बीएससी एमएससी पता नहीं क्या, उनका एक कन्वेंशनल होता है ना इंडिया में कि लिख आप लीजिए सर। कि आप ग्रेजुएशन करो फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करो फिर पता नहीं क्या, टीईटी पढ़ाने वढ़ाने वाला कोई और भी होता है ना, बीएड वेड भी होता है, बीएड सर टीईटी। आप कह दीजिए नाम ही काफी है। अरे ठीक है दोस्त, सीटेट सुपर टेट न जाने क्या क्या उसमें करते हैं, और वो लोग तभी तो लोग पढ़ाते नहीं कॉलेज में जाके। ये स्कूल वाले टीचर जो सरकारी स्कूल के टीचर होते हैं, देखो भैया कोई बुरा नहीं मानना किसी किसी घर वर में सरकारी स्कूल के टीचर हो, तो ये लोग हाँ ये हो सकता है कि लोग खुद बोलें कि भाई हम नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन तुम लोग अपने मन से इतना कहो कि तुम नहीं पढ़ाते हो, बुरा मान जाएंगे यार हर कोई, बोले हम कुछ भी करें तुम कैसे कह सकते हो। समझ गए भैया, थर्मोडायनेमिक्स वाला सारा। तो कोई एक सेल अगर काम कर रहा है तो उसके उससे एसोसिएटेड एंट्रोपी चेंज, एंथैल्पी चेंज है ना दोस्त, ई सेल डेल्टा जी सेल सब कुछ निकाल सकते हो। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का देखो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के 3 पोर्शन बताए थे ना, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। 2 पोर्शन फिनिश हो गए, प्रैक्टिस रह गई, प्रैक्टिस करते हो गए तुम लोग लगाएंगे, समझ गए। अच्छा उसका प्रूफ दे दें तुम्हें, जो रिलेशन अभी बताया था उसको प्रूफ दे के फिर शुरू करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस 3rd पोर्शन, ठीक है कि शुरू कर दें, प्रूफ चाहिए क्या?
कह रहा है नहीं जाए है, प्रूफ बता दे उसका। हाँ फिर शुरू करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। देखिए उसका प्रूफ देखो जो अभी हमने आपको बताया था कि भाई कोई भी, जैसे एक ये देखिए, अभी आप लोगों ने लिखा था कि भाई एक रिलेशन होता है मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट अनायन रेफरेंस हाफ सेल और मेटल मेटल आयन हाफ सेल जो होते हैं उनके रिडक्शन पोटेंशियल स्टैंडर्ड कंडीशन उनके बीच में। एक्स माइनस लिखा है, ए जी एक्स लिखा है और ए जी लिखा है, एक्स माइनस ए जी एक्स और ए जी है ना दोस्त। तो भैया और आपने देखा था कि ई नॉट और अभी आप देखे थे ए जी प्लस और ए जी, ये बार बार इसलिए लिख रहे हैं और बीच में आता है प्लस और प्लस में लॉग के अंदर आ जाता है और सॉरी 0.0591 तो रही गया 0.0591 अपॉन वन और लॉग के अंदर आता है केएसपी। केएसपी मतलब जो मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट है एजी एजीसीएल एजीबीआर एजीआई जो आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ाया था आपको कि जितने भी स्पारंगली सॉल्युबल सॉल्ट होते हैं उनके सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होते हैं ना, ये रिलेशन है। तो इसका मतलब ये दिस इक्वेशन इज जस्ट अ रिलेशन बिटवीन अ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट अनायन रेफरेंस हाफ सेल और मेटल मेटल आयन हाफ सेल। ठीक है, ये भी E नॉट है, ये भी E नॉट है। X माइनस क्या है, इस X माइनस की जगह Cl हो सकता है, Br हो सकता है, I हो सकता है। फ्लोरीन ना कर देना क्योंकि AgF सॉल्युबल होता है, AgCl, AgBr, AgI ये तीनों इनसॉल्युबल होते हैं और प्रेसिपिटेट होते हैं। तो मेरे भाई ये हो जाएगा इतना, ये जैसे भी आप देख रहे हो। कोई बोले कैसे प्रूफ किया आपने, तो प्रूफ देखिए ऐसा होता है कि सपोज करो, ध्यान से देखो, सपोज करिए आपके पास एक मेटल मेटल आयन रेफरेंस हाफ सेल है, सपोज करिए, और यहां पे सपोज करो हमारे पास है सिल्वर और इसको हमने डिप कर दिया है सिल्वर को, सीएल माइनस में। ठीक है, सिल्वर है ये, ठीक भैया सॉरी, इसको डिप कर दिया हमने एजी प्लस में, गलत बोल दिया था, एजी प्लस में। कोई बोले एजी प्लस क्या है, अरे एजी एनओ थ्री ले लो, ठीक है इसमें डिप कर दिया हमने। अब क्या है कि इसके साथ एक कपल लगा दिया हमने, कौन सा कपल लगा दिया, कोई मेटल मेटल आयन कपल लगा होगा जिसमें ऑक्सीडेशन हो रहा होगा और उसके इलेक्ट्रॉन्स कहां पे आ रहे होंगे, यहां पे आ रहे होंगे एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स आ रहे होंगे यहाँ पे, कहीं दूसरी जगह से कोई दूसरा कपल इधर होगा, हमें क्या मतलब उस कपल से, हमें तो बस जो चाहिए हम वो बता रहे हैं आपको। ये हो गया कि सिल्वर की रॉड है, सिल्वर की रॉड पे हमने एक ये बना दिया कि भाई मतलब जो भी आपको समझ में आ रहा है। तो रिएक्शन कौन सी होगी इस केस में यहाँ पे, अरे जो मेटल मेटल आयन कपल है उसका कोई रिडक्शन पोटेंशियल होगा, वहां से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो यहाँ पे इक्वेशन कौन सी होगी, ई ई लिखोगे Ag प्लस से Ag इज इक्वल टू E नॉट Ag प्लस और Ag नहीं भाई, और माइनस 0.0591 अपॉन वन क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन हो रहा है ना, और लॉग के अंदर वन अपॉन Ag प्लस ये आ जाएगा। कोई बोले इक्वेशन तो लिखी नहीं, अरे इक्वेशन लिख लो, ये इक्वेशन हो रही है उसी का हमने ये नेक्स्ट इक्वेशन लिखी है कि Ag प्लस एक्वस था और इसमें एक इलेक्ट्रॉन बाहर से आ रहा है और ये बन जा रहा है Ag सॉलिड, Ag सॉलिड का एक्टिव मास 1 होता है, इसलिए इसकी जो आपने नेक्स्ट इक्वेशन लिखी ये वाली इक्वेशन लिख दी। इतना सबको समझ में आ रहा है, ये नेक्स्ट इक्वेशन है भैया, ऑनलाइन वालों तुम लोग यस सर। अच्छा बहुत बढ़िया दोस्त, इतना हो रहा है, ठीक है दोस्त। अब हम एक काम करते हैं, इतना कॉपी कर लो जल्दी से, फिर हम बताएं कुछ इसमें चेंजेस करने जा रहे हैं, अच्छे खासे चेंजेस, जल्दी करिए जल्दी करिए जल्दी करो, फिर लिखवाएंगे कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स बोलेंगे, तुम लोग कॉपी में लिखोगे फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। आप उसको कॉपी कर लो जल्दी से, हम थ्योरेटिकल पॉइंट्स बताएं कुछ।
हो गया भैया ऑनलाइन वालों, तुम लोगों से समझ में आ गया? हाँ चलिए अब हो गया, तो इधर देखो सब लोग। अब हम एक काम कर रहे हैं, देखो भैया फिर से सुनिए, हमने बोला सिल्वर मेटल मेटल आयन रेफरेंस ऑप्शन है ये, ठीक। किसी दूसरे मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, ये रिएक्शन हो रही थी, इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग ये हमारा रेफरेंस ऑप्शन हो गया। नाउ एक्सेस NaCl, ध्यान से सुनना, एक्सेस NaCl इज एडेड, तो इसमें क्या करते हैं, इस सॉल्यूशन में एक्सेस NaCl ऐड कर देते हैं। तो जब तुम एक्सेस NaCl ऐड करोगे, सोडियम क्लोराइड अरे खाने वाला नमक, एक्सेस NaCl, तो मेरे भाई एक बात बताओ, सुनो तो, एक्सेस NaCl ऐड करोगे ढेर सारा, ऊपर से ऐसे 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 करके गिरा देना ढेर सारा NaCl, ठीक। तो एक्सेस NaCl ऐड करोगे तो जो इसमें Ag+ है वो सारा का सारा किस फॉर्म में आ जाएगा, AgCl के फॉर्म में, और AgCl का प्रेसिपिटेट होता है भाई व्हाइट पीपीटी, होता है कि नहीं, नहीं होता रे, बताओ दोस्त, सबको पता है ऑनलाइन वालों, AgCl का व्हाइट पीपीटी होता है। yes. तो भाई हाँ इसमें डाल रहे ढेर सारा NaCl, अरे इससे ये बीकर बनाएंगे ना, इस बीकर मतलब होने के बाद क्या होगा यहाँ बता रहे हैं अभी, ठीक। एक्सेस NaCl डालोगे, जितना Cl माइनस है वो AgCl के फॉर्म में प्रेसिपिटेट हो जाएगा, उसके बाद तुम और भर दो Cl माइनस, तो पूरा का पूरा सॉल्यूशन में Cl माइनस दिखेगा आपको, Cl माइनस की एक्सेस हो जाएगी पूरे सॉल्यूशन में, बताओ सबको समझ में आ रहा है, Cl माइनस पूरे सॉल्यूशन में। कोई बोले जो AgCl प्रेसिपिटेट किया है वो कहाँ गया, कुछ तो नीचे बैठ जाएगा, और कुछ हो सकता है इसी सिल्वर की रॉड पे चिपक जाएगा, चिपका कि नहीं, सिर्फ चिपकेगा अगल बगल वाला, तो सिल्वर की रॉड पे जो चिपक जाएगा, मान लो होमोजेनाइजली हम बोल रहे हैं चिपक गया, ठीक है, जिसको AgCl का हम ऐसे बोलते हैं कि AgCl जो है इसके ऊपर चिपक गया आके कुछ, है ना, मान लो ऐसे हर जगह चिपक गया थोड़ा थोड़ा AgCl, इसको बोल देते हैं कि यह है AgCl। तो क्या यही वाला सेल जिसमें एक्सेस NaCl डाल दिया गया है, अब तुमको ये नहीं समझ में आ रहा है, सिल्वर का मेटल है उसके ऊपर AgCl की कोटिंग है और सॉल्यूशन में Cl- है, नहीं समझ में आ रहा है भाई, अरे यही वाला सेल ये नहीं बन गया, मेटल मेटल आयन हाफ सेल, स्पेशली टू बी वेरी प्रिसाइज, सिल्वर सिल्वर आयन जो हाफ सेल था उसमें हमने एक्सेस NaCl डाल दिया, एक्सेस NaCl डालने की वजह से ढेर सारा Cl- डाल दो, तो ढेर सारा Cl- डालोगे तो पहले तो कुछ Ag+ AgCl के फॉर्म में प्रेसिपिटेट हो जाएगा, अब पूरे सॉल्यूशन में अब क्या आ जाएगा, Cl-, क्योंकि ढेर सारा Cl- डाल दिया है, जो AgCl नीचे प्रेसिपिटेट किया है, ठीक है, नीचे कुछ डिपॉजिट हो जाएगा ऐसे, अब कुछ तो इसी सिल्वर की रॉड पे भी तो चिपक जाएगा, तो जो सिल्वर की रॉड पे चिपकेगा तो हम अब ये फील करेंगे इसके बाद कि सिल्वर की रॉड है उसके ऊपर AgCl की कोटिंग है और पूरे अपरेटस को किसमें डिप किया गया है, Cl- में डिप किया गया है। ऑनलाइन वालों समझ में आ रहा है भैया? यस सर। बहुत बढ़िया, तो इसका जो लास्ट इक्वेशन लिखोगे क्या वो ई सी एल माइनस ए जी सी एल और ए जी इज इक्वल टू ई नॉट सी एल माइनस ए जी सी एल और ए जी और माइनस 0.0591/1 लॉग के अंदर क्या आ जाएगा, Cl माइनस आएगा, कैसे इक्वेशन लिखी थी, अरे इस इक्वेशन के थ्रू कि AgCl सॉलिड है, बाहर से इलेक्ट्रॉन आएगा, वो इलेक्ट्रॉन ले लेगा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सिल्वर सॉलिड में और Cl माइनस एक्वस में, और इसी के इक्वेशन के अकॉर्डिंग ये हमने लिख दिया ऊपर उसकी नेक्स्ट इक्वेशन, ठीक है, समझ में आ रहा है दोस्त ऑनलाइन वालों तुम लोग, इसका मतलब है, हेलो समझ में आ रहा है, Yes, sir. दोस्त अब इसका मतलब ये है, सुन लो पहले सुन लो, लिखना बाद में, अभी लास्ट में इसका फाइनल समरी समरी लिख रहे हैं, इसका मतलब है कि जो मेटल मेटल आयन हाफ सेल, प्रिसाइजली जो सिल्वर सिल्वर आयन हाफ सेल है वो कन्वर्ट हो गया मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट अनायन रेफरेंस हाफ सेल में, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो एक सेम कपल, वो जो मेटल मेटल आयन कपल की वजह से ही तो इलेक्ट्रॉन आ रहा था, और इधर भी एक मेटल मेटल आयन वही सेम ही तो था, अरे सेम ही इलेक्ट्रॉन तो था जो इलेक्ट्रॉन भेज रहा था यहाँ पे, समझ रहे हो कि नहीं, इसका मतलब जिस पोटेंशियल के अक्रॉस यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ रहा था उसी पोटेंशियल के अक्रॉस यहाँ भी तो इलेक्ट्रॉन आ रहा है,
तो इसका मतलब है कि ये दोनों रिडक्शन पोटेंशियल जो लेफ्ट हैंड साइड है इनके इक्वल हो जाएंगे, मतलब ये E Ag plus Ag is equal to E Cl minus Ag Cl Ag, ये समझ रहे हो कि नहीं? अब जिस पोटेंशियल के अक्रॉस, जिस मेटल मेटल आयन कपल के अक्रॉस इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रोड पे आ रहा था, जिसकी वजह से ई सेल की वैल्यू आ रही थी, ये ई सेल किसकी वजह से आ रहा था? इसी की वजह से ना, जो यहाँ पे मेटल मेटल आयन कपल था उसकी वजह से यहाँ पे सेल बना रहे थे हम लोग। तो वही सेल अभी भी तो यहाँ लगा हुआ है जिसको हम दिखाए नहीं थे। तो जब ये इसका लेफ्ट हैंड साइड इसका लेफ्ट हैंड साइड कंपेयर करोगे तो कंपेयर करने पे क्या मिल गया हमको? ये क्या, ये मिल गया E नॉट ऑफ ये Ag प्लस से Ag माइनस 0.0591 अपॉन 1 लॉग 1 अपॉन Ag प्लस, ये हो गया लेफ्ट साइड, और इज इक्वल टू ये हो जाएगा E नॉट Cl माइनस Ag Cl Ag और माइनस 0.0591 अपॉन 1 लॉग के अंदर क्या आएगा, Cl माइनस, और मेरे भाई ये माइनस में है, लॉग Cl माइनस आ रहा है, उधर क्या है लॉग Ag प्लस, इस माइनस को पलट दो तो Ag प्लस न्यूमरेटर में आ जाएगा, न्यूमरेटर में आएगा तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, इसको दूसरी तरफ लिए जाओ तो मेरे भाई यहाँ माइनस, तो ये दोनों मल्टीप्लाई Ag प्लस और Cl माइनस मिलके क्या हो जाएंगे, Ksp हो जाएगा। अरे आयंस का प्रोडक्ट Ag प्लस इंटू Cl माइनस Ksp होता है, नहीं समझ रहे हो भैया? तो रिलेशन फाइनली ये आपको समझ में आ रहा है कि ये लेफ्ट और वो राइट होके ये रिलेशन फाइनली आ जाएगा जो हमने अभी लिखा था कि E नॉट Cl माइनस से ऐसे Ag Cl और Ag इज इक्वल टू E नॉट Ag प्लस और Ag और प्लस 0.0591 अपॉन 1 लॉग Ksp लॉग Ag प्लस इंटू Cl माइनस, लॉग के अंदर Ag प्लस इंटू Cl माइनस। क्या ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? अरे ऊपर वाले इन दोनों की हेल्प से यही आएगा भाई। ऑनलाइन वालों तुम लोग भी देख लो, ये लास्ट में जो इक्वेशन लिखी है लॉग के अंदर Ag प्लस इंटू Cl माइनस, Ag प्लस इंटू Cl माइनस Ksp ही होता है, तो क्या ये रिलेशन इन दोनों को इक्वेट करने पे आएगा, बताओ? Yes, देख लो ऑनलाइन वालों। हाँ तो आएगा, तो जल्दी कॉपी कर लो, फिर चलाए इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स पढ़ाए हम, जल्दी करिए, जल्दी करो भैया, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस फिर शुरू करें। चलो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस शुरू करेंगे अब। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दोनों कंप्लीट हो गए। नई नई चीजें भी समझ गए तुम लोग इसमें काफी कुछ। थर्मोडायनेमिक्स इसमें कैसे डेल्टा जी डेल्टा एच डेल्टा एस एंट्रोपी एंट्रोपी कैसे निकालते हैं, सेल का टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या होता है वो भी पता लग गया है ना। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है ई सेल, तो उसका डी बाई डी टी को टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ सेल बोलते हैं, जो एक्चुअली में दिया रहेगा आपको। वैसे जैसे जैसे सेल काम करता है ना उसमें हीट वीट भी जनरेट होती है, उसका टेम्परेचर हो सकता है वैरी करे, तो डी वाई डी टी इसीलिए दिया जाता है, उसकी कोई फाइनाइट नॉन जीरो वैल्यू होती है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ सेल की वैल्यू होती है वो आपको दी रहेगी। आप उसको कॉपी करो फिर आगे बताएं।
हो गया? अच्छा ठीक है, जल्दी कर लो। तो हम ये बोल रहे थे कि मेटल मेटल आयन रेफरेंस हाफ सेल जो होता है, रादर मेटल मेटल आयन हाफ सेल, और मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट अनायन हाफ सेल, समझ रहे हो? उनके लिए हमने बताया है। एक हाँ वो छूट गया था तुम लोगों को, जो बता रहा क्विनोन वाला ना, क्विनोन हाइड्रोक्विनोन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाली एक चीज होती है जिसको इसमें यूज करते हैं, क्विनोन हाइड्रोक्विनोन रेफरेंस हाफ सेल करके बताया जाता है ना भैया। हटा दे रहा है इसको फिर। देखो दोस्त, क्विनोन क्या होता है, लिखिए हेडिंग लिखिए, क्विनोन हाइड्रोक्विनोन। अबे लास्ट रेफरेंस आप सेल्स बताए थे ना, क्विनोन हाइड्रोक्विनोन लिखो, क्विनोन क्यू यू आई, क्विनोन हाइड्रोक्विनोन रेफरेंस ऑफ सेल। अरे ऐसे लिखे थे, क्विनोन हाइड्रोक्विनोन। क्विनोन हाइड्रोक्विनोन रेफरेंस ऑफ सेल। क्विनोन होता क्या है मेरे भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में? ये होता है क्विनोन, क्विनोन बोलते हैं इसको। इसको क्यू लिखते हैं, क्यू। अरे अभी सेल बनाएगा सेल, ये कन्वर्ट होता है हाइड्रोक्विनोल में, बेंजीन एरोमेटिक बन जाता है एक तरह से, और यहाँ पे क्या आ जाता है OH, यहाँ पे क्या हो जाता है OH। इसका नाम क्या होता है हाइड्रोक्विनोल, क्विनोल, ये हाइड्रोक्विनोन भी बोलते हैं, हाइड्रोक्विनोन भी बोलते हैं, क्विनोल भी बोलते हैं। क्या इसको हम QH2 बोल सकते हैं? अरे जो Q था उस Q में दो हाइड्रोजन एक्स्ट्रा जोड़ दिया, नहीं समझ रहे हो? कार्बन तो सेम है, बस Q में जो भी था उसमें दो हाइड्रोजन एक्स्ट्रा जोड़ दो, ये बन जाएगा। बैलेंस करोगे तो क्या ये 2H प्लस इसमें लिखना पड़ेगा और दो इलेक्ट्रॉन लिखना पड़ेगा, ये रिएक्शन बैलेंस हो गई, बैलेंस हो गई भैया, हाफ सेल ही तो है ये, समझ रहे हो? अगर ये प्योर लिक्विड स्टेट में है, प्योर लिक्विड स्टेट में, ये भी प्योर लिक्विड स्टेट में, तो H प्लस एक्वस लिए हो गए आप सपोज करिए, तो इसके लिए लास्ट इक्वेशन ये लिखी जाती है E Q से QH2, बुक्स में ऐसे लिखा रहेगा। अरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लिंक देखो कैसे इतना बढ़िया होता है, Q से। अब तुम ये मत सोचो कि सर हमको ज्यादा बता रहे हैं, तुम एक बात बताओ, तुम सभी लोग, तुमको हम अननेसेसरी थोड़ी बताएंगे, हम अपने स्टूडेंट को, अपने ही भाई, तुम सब लोग अपने ही लोगों को हम गलत क्यों बताएंगे, समझ रहे हो? ये ज्यादा क्यों बताएंगे, अननेसेसरी तो नहीं बताएंगे, तो बता देते हैं कि भाई हो सकता है मिल जाए आपको ऐसी कोई चीज, तो मिल जाएगा तो लोगों से एक एक्स्ट्रा निकल जाओगे। ये मत सोचो कि भाई हमें एक्स्ट्रा, देखो हम लोग रेजिस्ट क्यों करें, जैसे कुछ बच्चे होते हैं, हम क्यों रेजिस्ट क्यों करोगे तुम कि हम नहीं पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे, तुम्हारे अच्छे के लिए हो रहा है ना भैया। तो अपने मन को कंट्रोल में करो, ये माइंड जो है ना बड़ा इविल होता है, शैतान होता है ये। 0.0591/2 और लॉग के अंदर क्या आ जाएगा दोस्त, 1/H+ का स्क्वायर आएगा, ठीक है, ये कर लो। Q और QH2 की अगर कोई वैल्यूज भी होंगी, कोई बोले प्योर लिक्विड नहीं है एक्वस स्टेट में है, कोई बोलेगा ना, अबे तो जो भी इसकी वैल्यूज होंगी कट भी तो जाएंगी यहाँ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में लॉग के अंदर, तो लिखने की जरूरत नहीं है उनकी, उनको लॉग के अंदर बस 1/H+ का स्क्वायर करना पड़ेगा। ऑनलाइन वालों भैया समझ में आ रहा है दोस्त? Yes, चलिए बहुत बढ़िया दोस्त।
अब बताते हैं आपको हम इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस, थर्ड पार्ट है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। चलो लिखो, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का थर्ड पार्ट, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या होता है मेरे भाई, और इसको हम पढ़ते क्यों है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में? फिर से सुनो, मेटालिक कंडक्टेंस जानते हो, R इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए, ओम्स लॉ जानते हो। तो जो हमने अभी आपको पढ़ाया था जिंक की रॉड जिंक सल्फेट में, जिंक की रॉड जिंक सल्फेट में, कॉपर की रॉड कॉपर सल्फेट में, यही तो याद है। फिर वायर से जोड़ देते थे, तो जिंक के इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन निकलता था, वो इलेक्ट्रॉन वायर के थ्रू होके कॉपर के इलेक्ट्रोड पे जाता था, वहां पे कॉपर प्लस टू रिड्यूस हो जाता था। कोई बोले सर अमीटर में डिफ्लेक्शन आया, इसका मतलब करंट का फ्लो हुआ है, और तुमको जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट दिख रहा है वो कहां से दिख रहा है? जिंक की रॉड से कॉपर की रॉड तक इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट दिख रहा है। कोई बोले साला बीच में इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं, कैसे हो गया करंट का फ्लो, सर्किट कंप्लीट कैसे हुआ? सोचे हो ना, जिंक की रॉड जिंक सल्फेट में, कॉपर की रॉड कॉपर सल्फेट में डाल दी, बाहर एक्सटर्नल वायर से दोनों को कनेक्ट कर दिया। तो जिंक की रॉड से इलेक्ट्रॉन निकला, जिंक का एटम ऑक्सीडाइज हो गया, इलेक्ट्रॉन गया कॉपर की रॉड पे, कॉपर की रॉड पे कॉपर प्लस टू डिपॉजिट। कोई बोले इस बीच में तो इनके दोनों सॉल्यूशन के बीच में सिर्फ सॉल्ट ब्रिज है, और सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन में आयंस है, इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, तो सर्किट कंप्लीट कैसे हुआ? इसका मतलब यह है कि आयंस के मूवमेंट की वजह से भी कुछ हो रहा होगा करंट का फ्लो। तो इसका मतलब आयंस के मूवमेंट की वजह से भी करंट का फ्लो होता है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल की बात करो, इलेक्ट्रोलिटिक सेल की, इलेक्ट्रोलिटिक सेल की मोल्टन एनएसीएल लिए थे, मोल्टन एक ही बीकर था, एक बीकर था उसमें मोल्टन एनएसीएल ले लिए, एक ही बीकर, इतना बड़ा बीकर था, उसी में मोल्टन एनएसीएल, इधर कैथोड इधर एनोड ले लिया, ठीक, ये दो फिंगर्स हमारी कैथोड एनोड है, लेफ्ट साइड कैथोड होता था ना, ये लेफ्ट साइड और राइट साइड एनोड होता है, एक ही बीकर है। तो मेरे भाई तुमने क्या किया, ऊपर से बैटरी लगा दी, तो बैटरी ने इलेक्ट्रॉन दिया कैथोड पे, इलेक्ट्रॉन आया कैथोड पे, यहाँ पे आके रिड्यूस हो गया, रिड्यूस कर दिया एनोड। कोई बोले ये इलेक्ट्रोलाइट के अंदर क्या हुआ था, इलेक्ट्रॉन तो है नहीं वहां पे, क्योंकि मोल्टन NaCl लिए हो तो सिर्फ Na प्लस है और Cl माइनस है। इसका मतलब है आयंस के मूवमेंट की वजह से भी कुछ हो रहा है, समझ रहे हो? इसीलिए इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस पढ़ाया जाता है कि एक्सटर्नल वायर में सर्किट में मेटालिक कंडक्टेंस होता है, करंट का फ्लो इज बिकॉज ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। द स्पीशीज इन्वॉल्व, है ना, या द स्पीशीज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लो ऑफ करंट आउटसाइड द, मतलब वो रादर इन वायर इज इलेक्ट्रॉन। वायर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन जो स्पीशीज इन्वॉल्व इन या इन्वॉल्व या रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लो ऑफ करंट Inside the circuit, inside the beaker, समझ रहे हो, are ions. तो beaker के अंदर या अंदर अंदर आप देखोगे तो ions के movement की वजह से current का flow होता है, वही responsible होते हैं। समझ में आ रहा है कुछ भैया? और बाहर होता है electron के flow की वजह से, तो वही electrolytic conductance में आपको पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है ना दोस्त? कंडक्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस का उल्टा, जैसे आपने अभी तक फिजिक्स में देखा होगा रेजिस्टेंस के उल्टा, वन अपॉन आर को बोलते हैं कंडक्टेंस। जितना ज्यादा कंडक्टेंस होता है उतना ज्यादा हम लोग बोलते हैं ना कि चांसेस हैं, या फेवरेबल प्रोसेस होता है, रादर फेवरेबल होता है इलेक्ट्रो उसके करंट के फ्लो के लिए। अभी रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा ना, ये जानते हो आप लोग, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो वही आपको इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस बताने जा रहे हैं। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस मतलब
किसी इलेक्ट्रोलाइट में करंट के फ्लो के लिए रिस्पॉन्सिबल आयंस जो होते हैं उनका कंडक्टेंस, समझ में आ रहा है, उनका कंडक्टेंस मतलब जो ईज होगा इलेक्ट्रॉन के उसका करंट के फ्लो का, ठीक है भैया। चलिए पहले तो ये बता दें कि R इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए, जानते हो? अगर आप लोग फिजिक्स में इसको देखे हो मेटालिक कंडक्टेंस में, तो अगर आप मेटालिक कंडक्टेंस की बात करोगे, मेटालिक मेटालिक कंडक्टेंस, तो मेटालिक कंडक्टेंस में आप लोग R को क्या बोलते हो? R को बोलते हैं रेजिस्टेंस, और पहले मेटालिक वाला बता दे, और रो को क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी बोलते हैं, ठीक है। एल को क्या बोलते हैं? लेंथ ऑफ क्या बे? मेटालिक कंडक्टर या रॉड बोल दो। ए को क्या बोलते हैं? क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब यहां पे सुनो, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस में आने जा रहे हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस में क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस में बताने जा रहे हैं, कोई एल लेंथ की रॉड होती नहीं, क्योंकि ये सॉल्यूशन होता है ना, तो जब एल लेंथ की रॉड नहीं है तो एक क्रॉस सेक्शनल एरिया नहीं है। लेकिन ओम्स लॉ जो होता है, ओम्स लॉ जिसे ओम्स लॉ बोलते हैं ना, तो OHM, ओम्स लॉ, ये इक्वली वैलिड होता है मेटालिक कंडक्टेंस में भी, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस में भी। ओम्स लॉ इज वैलिड बोथ इन मेटालिक, ऐसा थोड़ी होगा कि एक जगह तुम करंट का फ्लो किसी दूसरे लॉ से डिफाइन कर रहे हो, रादर एक्सप्लेन कर रहे हो, और दूसरी जगह करंट का फ्लो किसी दूसरे लॉ से, ऐसे तो फिर सबके लिए लॉ बनाएंगे, एक लॉ फिर हर जगह वैलिड होगा ना। फिर करंट का फ्लो एक ही मतलब हो रहा है कि इतनी दूरी में सपोज करो करंट का फ्लो हो रहा है, तो बोलो आधी डिस्टेंस हम किसी दूसरे लॉ से करेंगे, आधी डिस्टेंस दूसरे लॉ से करेंगे, ऐसे थोड़ी होगा। आपका एक सर्किट कंप्लीट हो रहा है, तो एक फुल सर्किट में ऐसा थोड़ी होगा कि आधी जगह तुम किसी दूसरे लॉ को लगा रहे हो, आधी जगह दूसरे लॉ को यूज कर रहे हो। तो वही तो हो रहा है, जो मेटालिक वायर था वहां पे अगर ओम्स लॉ यूज कर रहे हो, तो अंदर एक ही सर्किट का पार्ट है ना वो सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन में भी ओम्स लॉ से यूज करना पड़ेगा। नहीं समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, तो सॉल्यूशन के लिए भी ओम्स लॉ यूज किया जाता है, आर इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए, बस कुछ कुछ यहाँ पे बदल जाएगा। एल बाई ए तो यहाँ डिफाइन नहीं कर सकते उस तरीके, एल बाई ए यहाँ पे अलग तरीके डिफाइन करेंगे। पहले फिर देखो आर को क्या बोलते हैं, यहाँ पे नाम थोड़ी बदल जाएगा, साले रेजिस्टेंस ही बोलेंगे ना। यूनिट क्या होती है इसकी? ओम ऐसे लिखते हैं, या इसी को ओ एच एम लिखते हैं, समझ में आ रहा है? ये तो लिखते हैं यूनिट। रो को क्या बोलते हैं? हाँ हाँ कई नाम है, हो सकता है एग्जाम्पल के, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, है ना, या इसी को क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी, यही बोलते हैं क्या? हमको तो लग रहा नहीं बोलते ऐसा। अच्छा ठीक है, पूछ रहे हैं तुम लोग, कुछ बताते नहीं हो तो यही सब करेंगे, ठीक है। एल वाई ए, यहाँ पे एल अलग होता था, ए अलग होता था, इस जगह पे एल वाई ए को एक साथ एक नाम दे दिया जाता है, जिसको बोलते हैं हम लोग सेल कॉन्स्टेंट, सेल कॉन्स्टेंट। इसकी यूनिट क्या होगी सेल कॉन्स्टेंट की? अरे एल अगर मीटर में है, ए मीटर स्क्वायर में है, तो या तो मीटर इनवर्स होगी, अगर सेंटीमीटर की बात करोगे तो सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगी, चाहे मीटर इनवर्स कह लो, और अगर ऐसा है तो जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है या रेजिस्टिविटी, उसकी यूनिट क्या होगी? ओम मीटर, ओम मीटर, ओ एच एम मीटर, या इसी को कोई बोले कि ओम सेंटीमीटर, या ओम वाला सिंबल ले लो, ऐसे जो सिंबल मतलब ठीक है वो सब, ओम सी एम, ओम सी एम, समझ रहे हो भैया? ओम सीएम, कल यूपी में इलेक्शन का रिजल्ट है, कल कोई सीएम बनेगा इधर भी, ये समझ में आ गया भैया? ओम सीएम,
क्लियर। एल बाई ए सेल कॉन्स्टेंट, अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा साला सेल कॉन्स्टेंट क्या है, और ये सेल कॉन्स्टेंट भाई हमको एक बात बताओ, सेल कॉन्स्टेंट क्यों लिखे हम, इसको कोई और लिख दें, चेयर कॉन्स्टेंट नहीं समझ रहे हो, कार कॉन्स्टेंट, सेल कॉन्स्टेंट क्यों लिखे इसको, क्योंकि इलेक्ट्रोलिटिक सेल और केमिकल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होते हैं ना, उसके सेल ही तो होते हैं वो, तो उसी सेल में इलेक्ट्रोलाइट भरा होता है, तो जब मेटालिक कंडक्टेंस में एल और ए किसी वायर के लिए बोलते थे, तो हम लोग जो इलेक्ट्रोलिटिक आपने सेल बनाया हुआ है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, उसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट भरा है उसी के कुछ पैरामीटर्स एल और ए होते होंगे, तो एल और ए वो पैरामीटर, कुछ लोग सोच सकते हैं कि एक जो आपने बीकर लिया होगा उसकी लेंथ एल हो गई, ऐसा नहीं कह सकते, नहीं तो पूरे दुनिया में हर कोई कोई इतना बड़ा बीकर लेगा, कोई इतना बड़ा, कोई इतना बड़ा, कोई इतना बड़ा, ऐसे ही बीकर लेते घूमेंगे, तो एल बाई ए बदलता जाएगा, लोगों ने बोला एल बाई ए अभी डिफाइन करेंगे, है ना, कुछ अभी बताएंगे उसको, ठीक है, मतलब ठीक है क्वेश्चन दिया रहेगा लेकिन अभी इसको अलग से कुछ चीजें बताते हैं, रुक जाइए उसके बारे में, इतना समझ में आ गया। फिर इसी को उल्टा करते हैं, कभी कभी इसी को लोग उलट के देखते हैं, क्या देखते हैं, वन अपॉन आर को क्या बोलते हैं, वन अपॉन आर को साले कंडक्टेंस बोलते हैं, वन अपॉन आर को क्या नाम बोलते हैं, तो वन अपॉन आर की तो बात करता है, और कुछ क्या लिखा है, वन अपॉन आर, आर वन अपॉन आर को किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, जी हम, हाँ जी एक मिनट, अरे मेरे भाई हम क्या कह रहे हैं, वन अपॉन आर पूछ रहे हैं होता क्या है, सिर्फ अभी पूछ रहे हैं क्या होता है, इक्वल तो मत लिखो, वन अपॉन आर को बोलते क्या है, नाम कंडक्टेंस, अरे आर रेजिस्टेंस है तो वन अपॉन आर को कंडक्टेंस बोलते हैं, और इसको लिखते किससे है, सिंबल इसका क्या होता है, जी होता है, इतनी देर में जी बोल रहे हो तुम लोग यहाँ पे ऑफलाइन बैठे फिर भी, जी इसका नाम क्या होता है, कंडक्टेंस, तो क्या समस्या क्या है तुम लोग को, क्या कंडक्टेंस है ना, ये रेजिस्टेंस कंडक्टेंस, उल्टा उल्टा कर लो ऐसे ही ठीक, अगर इतना यूनिट क्या होगी इसकी, ओम इनवर्स, या इसी को एम एच ओ भी बोलते हैं, मो, या इसी को ओ एच एम का इनवर्स, कोई भी लिख लो इसमें से ठीक, कंडक्टेंस, कोई बोले सर वन अपॉन रो को फिर क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी, इसको लिखते हैं कप्पा से, सुनो कप्पा कैसे बनाते हैं, ऐसे सी बनाओ, सी सी बना सकते हो ना, सी ए बी सी अल्फाबेट, और सी पे एक हल्की सी छोटी सी लाइन खींच दो, समझ रहे हो, अरे सी बनाओ उस पे एक लाइन खींच दो, आई सी जो होता है, आई और सी मिला दो दोनों पे, आई और सी जैसे, तो ये कप्पा होता है, कप्पा, इसको क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, जैसे रेजिस्टेंस होता था, कहाँ गया भाई, रेजिस्टेंस और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, वैसे कंडक्टेंस और स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ये आईसी को कोई बोले सर रेजिस्टेंस और आपने रेजिस्टिविटी लिखा था, तो लो कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी लिख सकते हैं, कंडक्टिविटी, इसकी यूनिट क्या होगी मेरे भाई, पूछ रहे हैं साले, नहीं बताऊंगा, कोई बात नहीं, अबे जब रो की यूनिट ये लिखे हो तुम, हाँ तो ऐसे बोलो ना, अच्छा रुको रुको, वन अपॉन आर की एक यूनिट और होती है जिसको साइमेंस भी बोलते हैं, याद है साइमेंस, बड़ा सा एस लिखते हैं इसमें, साइमन, साइमेंस भी लिखते हैं, साइमेंस स्पेलिंग लिखते हैं साले एस आई साइमेंस, एस आई एम ई एन एस, साइमेंस है ना भैया, स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी की यूनिट क्या होगी, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, कोई बोले नहीं हम मीटर में लिखेंगे, तो कोई बात नहीं, तुम अपनी भावनाओं को कंट्रोल में, साइमन मीटर इनवर्स,
कोई बोले हम साइमन ही नहीं लिखेंगे, हम ओम इनवर्स लिखेंगे, तो उसमें भी कोई इश्यू नहीं है। ओम इनवर्स मीटर इनवर्स कर सकते हो या ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। क्या हो गया भैया? कौन सा वो क्वालिटी उन टाइप से कुछ लगा रखे हो? डरावनी डरावनी चीजें खाली फोन में रखते हो तुम लोग, शर्म नहीं आती। चलो इधर देखो, एल वाई ए हो गया। अच्छा तुम कैपिटल जी और कप्पा में रिलेशन बताओ, जी और कप्पा में। अरे एक बार आईआईटी में यूनिट पूछी गई थी, इसलिए यूनिट लेके इतना पढ़ा रहे हैं तुम। ये सोचो फिजिक्स बता रहे हैं हमको, एक बार आईआईटी में इसकी यूनिट केमिस्ट्री में पूछी गई थी, इसलिए पूछ रहे हैं। मेंस में उसमें एआई ट्रिपल ई में पूछा गया था, आईआईटी में नहीं, एआई ट्रिपल ई पहले होता था, जानते हो ना? हाँ, जैसे अभी जेई मेन होता है वैसे एआई ट्रिपल ई होता था, सारे एनआईटीज में एडमिशन के लिए आईआईटी वालों, 2012 तक हुआ था। 2000 दो पेपर, मैथ का अलग होता था, पीसी का अलग होता था, बड़ा अजीब अजीब पैटर्न आता था भाई। 150 क्वेश्चन 3 घंटे में देते थे, 180 मिनट 150 क्वेश्चन फिजिक्स केमिस्ट्री के, ऐसा भी पैटर्न था उसमें, बड़ा सोचो उतने में तो पढ़ा ना पाए कोई। अरे लोग देते थे भाई, तो क्या होते थे कि 5 घंटे का पेपर होता था, तो पहले 3 घंटे का पेपर होता था 3 आवर्स का, उसमें पी और सी फिजिक्स केमिस्ट्री होती थी, उसमें 75 क्वेश्चन फिजिक्स या 75 केमिस्ट्री के, और फिर दूसरी शिफ्ट में होता था दो घंटे का पेपर मैथ का, 75 क्वेश्चन मैथ के 2 घंटे में, और क्वेश्चंस भी अच्छे खासे होते थे। पुराने आई ट्रिपल ई को उठा के देखना, सीबीएसई वाले कराते थे उसको, सीबीएसई वाला पैनल था, वही बॉडी थी बनाने वाली जो आज एनटीए की बॉडी बनाई गई है। तो इसीलिए तो बोलते हैं कि पुराने क्वेश्चंस लगाओ आई ट्रिपल ई के जेई मेन के, तुम्हें फिर से मिलेंगे वही सब। तो एक बात बताओ, कप्पा और जी में रिलेशन नहीं बताओगे इसमें भैया? जी और कप्पा में कैपिटल जी इज इक्वल टू, और कि कप्पा इज इक्वल टू जी है। अबे कैपिटल जी इज इक्वल टू कप्पा करोगे या कप्पा इज इक्वल टू? भाई तुम लोग से पूछना मतलब बहुत बेकार है। अरे रिवर्स करो ना, इसको उलट दो, जी इज इक्वल टू, बहुत बढ़िया। तो ऐसे बताओ ना, जी इज इक्वल टू कप्पा इनटू सेल कांस्टेंट, आएगा कि नहीं? एल बाई ए कप्पा इंटू सेल कांस्टेंट, एल बाई ए को सेल कांस्टेंट ही बोलते हैं। तो हम एल बाई ए पूछ रहे हैं, तो फिर तुम लोग दे दो, यहाँ पे क्या लिखोगे? कप्पा इज इक्वल टू जी इंटू एल बाई ए, ये आ गया। जल्दी कॉपी करिए, आगे बताएं। कब और अभी मजेदार मजेदार चीजें हैं, जल्दी करो। आगे बताएं भैया, जल्दी करिए। लिखिए, बोथ कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी आर एडिटिव इन नेचर। बोथ कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी, बोथ कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी आर एडिटिव, एडिटिव ADDITIVE, बोथ कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी आर एडिटिव इन नेचर। एडिटिव एड कर सकते हैं, बोथ कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी आर एडिटिव इन नेचर, एडिटिव। अभी लिख रहे हो उसको, लिख रहे हो तुम, लिखो जल्दी लिखो। बोथ कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी आर एडिटिव इन नेचर। कोई बोले क्या है कंडक्टेंस, बताते हैं। अच्छा, जो जितना ज्यादा करंट के फ्लो को फैसिलिटेट करेगा कोई सॉल्यूशन, इसका मतलब उतना ज्यादा कंडक्टेंस कही जाएगी। कंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, या कंडक्टेंस के बारे में हम क्या कह सकते हैं कि करंट का फ्लो कोई भी सॉल्यूशन जितना ज्यादा फैसिलिटेट करेगा उतना ज्यादा कंडक्टेंस होगी, बताओ भैया। इसका मतलब है किसी भी सॉल्यूशन में जितने ज्यादा नंबर ऑफ आयंस होंगे
क्या वो कंडक्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहा जाएगा? नहीं समझ रहे हो? एक सॉल्यूशन जो करंट के फ्लो को ज्यादा फैसिलिटेट कर रहा है एज कम्पेयर टू किसी दूसरे सॉल्यूशन, तो उसको हम ज्यादा कंडक्टेंस वाला सॉल्यूशन बोलेंगे. अ सॉल्यूशन ऑफ हायर कंडक्टेंस विल फैसिलिटेट फ्लो ऑफ करंट एज कम्पेयर टू अ सॉल्यूशन ऑफ लोअर कंडक्टेंस. कह सकते हो कि नहीं कह सकते हो? तो इसका मतलब यह है कि कंडक्टेंस, अगर आप किसी सॉल्यूशन में करंट के फ्लो की बात कर रहे हो, तो सॉल्यूशन में जितने ज्यादा आयंस होंगे उतना ज्यादा कंडक्टेंस होगा उसका. रेजिस्टेंस का उल्टा ही तो कह रहे हैं. तो आप लिख सकते हो कि कंडक्टेंस है ना ऑफ अ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. लिखो जरा कंडक्टेंस ऑफ अ सॉल्यूशन, ऐसे ही कंडक्टेंस ऑफ अ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन इट. कंडक्टेंस ऑफ अ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन इट. समझ में आ रहा है? कंडक्टेंस ऑफ अ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन इट. समझे दोस्त? तो आप ऐसे भी सोच सकते हो कि अ सॉल्यूशन ऑफ हायर कंडक्टेंस, लिखो जरा, लिखो अ सॉल्यूशन ऑफ हायर कंडक्टेंस फैसिलिटेट द करंट फ्लो. अ सॉल्यूशन ऑफ हायर कंडक्टेंस फैसिलिटेट द करंट फ्लो, है ना? ना वही ऑब्वियसली एज कंपेयर टू द कंडक्ट, मतलब द कंडक्टेंस ऑफ कोई दूसरा सॉल्यूशन. ठीक है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अच्छा, कंडक्टेंस एडिटिव होता है, एडिटिव, एडिटिव. उसको सोच सकते हो, प्रूफ नहीं दे रहे, उसको एक बात बता रहे हैं. सुनिए, एडिटिव कैसे होता है? जो ऐड किया जा सकता है, जैसे अरिथमेटिक ऑपरेशंस नहीं होते. जैसे कोई बोले सर कैसे करोगे, हमारी बात सुनो. एक सॉल्यूशन है, सपोज करो एक लीटर वाटर ले लिया, उसमें वन मोल NaCl डाल दिया, तो NaCl की वजह, अच्छा वन लीटर वाटर है, उसकी कुछ कंडक्टेंस होगी. करंट का फ्लो करवा सकता है वाटर? बहुत कम करवाता है, क्योंकि आयंस उसमें होते ही बहुत कम है. कोई बोले उसमें NaCl डाल दो, तो Na प्लस Cl माइनस आयन हो गए, करंट का फ्लो बढ़वाएगा कि नहीं बढ़ाएगा? तो इसका मतलब कंडक्टेंस बढ़ जाएगी. कोई बोले वन मोल KCl भी डाल दो, तो कंडक्टेंस और नहीं बढ़ जाएगी, जितने ज्यादा आयंस बढ़ाते जाओगे. तो कंडक्टेंस एक्चुअली में ओवरऑल कंडक्टेंस जब निकालना होता है, तो ओवरऑल जी जो होता है वो एक्चुअली में लिखते हैं समेशन ऑफ जी आई, आई इज इक्वल टू वन से लेके एन तक, और प्लस जी वाटर. कोई बोले ये क्या लिखा क्या है आपने? किसी सॉल्यूशन का जो कंडक्टेंस होता है वो उसमें जितने भी आयंस पड़े हैं उन सब के कंडक्टेंस के समेशन के बराबर, और प्लस जो सॉल्वेंट है साले वो भी तो कंडक्टेंस लगाएगा थोड़ा बहुत. जी वाटर की वैल्यू एक्चुअली में बहुत कम होती है, मोस्ट ऑफ द केसेस में जी वाटर नेग्लेक्ट हो जाता है. क्यों? क्योंकि वाटर आयनाइज थोड़ी होता है. अगर कोई बोले वाटर की कंडक्टेंस और NaCl में जो Na प्लस Cl माइनस की कंडक्टेंस के बीच में हमें रिलेशन, मतलब चेक करना है कौन ज्यादा है, तो बोलोगे वाटर भैया H2O, H प्लस OH माइनस थोड़ी बनाता है. आयंस का मूवमेंट की वजह से इलेक्ट्रॉन करंट का फ्लो माना जाएगा ना भाई. तो वाटर में H प्लस OH माइनस बहुत कम है, तो वाटर की कंडक्टेंस बहुत कम होती है. लेकिन वाटर में NaCl डाल देते हैं ना भाई, तो बहुत ज्यादा कंडक्टेंस हो जाती है उसकी. नहीं समझ रहे हो? कोई बोले भैया एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl है, तो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl की टोटल कंडक्टेंस है सपोज करो x. सुन लो भाई, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl की टोटल कंडक्टेंस है x, तो उसका मतलब उस x में NaCl का भी कंडक्टेंस और वाटर कंडक्टेंस एडेड होगा दोनों का. समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ऑनलाइन वालों समझ में आ रहा है दोस्त? यस सर, ठीक है. टोटल कंडक्टेंस, ठीक है, ये समझ में आ गया. आई वैसे G1, G2, G3 ऐसे ही G1 फिर G2 फिर G3 फिर G4 एंड बाद में जी वाटर लिख देते हैं. ठीक है, तो ये कंडक्टेंस एडिटिव होता है.
कंडक्टिविटी भी एडिटिव होती है, रुक जाओ अभी थोड़ी देर में कंडक्टिविटी के बारे में बताएंगे, ठीक है, उसको अलग से डिराइव करेंगे। लिखिए, चलिए डेफिनेशन की बात कर रहे हैं। डेफिनेशन ऑफ कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस, डेफिनेशन ऑफ कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस कप्पा, इसकी डेफिनेशन देखो, फिजिक्स से पूरा अलग है ये, क्योंकि फिजिक्स में मेटालिक होता था। हमारी बात सुनिए, तुम बोलोगे सर अभी हमने कप्पा बनाया था, ऐसे कप्पा लिखा था इज इक्वल टू कैपिटल जी इंटू एल बाई ए। कैपिटल जी क्या होता था? कंडक्टेंस। एक सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन है, अगर उस सॉल्यूशन में L बाई ए की वैल्यू 1 कर दो somehow, है ना, तो जो टोटल कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन होगा क्या वो कंडक्टिविटी के बराबर होगा? यही है। तो हम कंडक्टिविटी को कैसे बोल सकते हैं? कंडक्टिविटी की जो डेफिनेशन होती है, लिखो नहीं अभी सुनो, कंडक्टिविटी की जो डेफिनेशन होती है उसको ये बोल सकते हो कि टोटल कंडक्टेंस ऑफर्ड बाय अ सॉल्यूशन जिसमें सेल कांस्टेंट की वैल्यू 1 हो जाए। नहीं समझ रहे हो? टोटल कंडक्टेंस ऑफर्ड बाय अ सॉल्यूशन, टोटल कंडक्टेंस किस लिए होगी बे? अबे उसमें प्रेजेंट आयंस की वजह से, और किसकी वजह से साले? टोटल कंडक्टेंस ऑफर्ड बाय अ सॉल्यूशन व्हेन सेल कांस्टेंट बिकम यूनिटी इज नोन एज क्या? स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी। ठीक है, लिखिए पहले इसको, ऐसे बनाओ, ऐसा बनाओ साले, पहले लिखो ऐसे ही जो लिखा हुआ हमने, कप्पा इज इक्वल टू जी इंटू ए, लिखे बॉक्स बॉक्स में बंद करो यार दोस्त, तुम एक ही पेन से सब लिखते हो, अच्छा थोड़ी लगता है एक ही पेन से सब लिखते हो। अरे इज्जत तो थोड़ी सी लिख रहे हो, थोड़ा सा मतलब इंटरेस्ट, कोई कॉपी वॉपी देखे बोले हाँ इंटरेस्ट के साथ लिख रहा है, इससे लिख रहा हूँ ये टेढ़ा मेढ़ा जो मन कर रहा है, कभी कुछ लिख रहे हो। अच्छा कोई बात, लिखो टोटल कंडक्टेंस ऑफर्ड बाय अ सॉल्यूशन व्हेन सेल कांस्टेंट बिकम यूनिटी, When cell constant is unity, है ना? Total conductance offered by a solution when cell constant है ना is unity, unity मतलब one, unity, unity. Total conductance offered by a solution when cell constant is unity is known as क्या भैया? Is known as specific conductance या conductivity. कोई बोले और प्रिसाइज हमको डेफिनेशन बताओ, तो बताने जा रहे हैं, लिखिए इज नोन एज स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी। कोई बोले और प्रिसाइज बताओ, हमको ये समझ में नहीं आया कि आपने जो सेल कांस्टेंट यूनिटी बोला ये समझ में नहीं आया, तो सेल कांस्टेंट की यूनिटी कैसे कह सकते हो? एल की वैल्यू 1 कर दो, ए की वैल्यू 1, मतलब ऐसे एल बाई ए की वैल्यू 1 तो बहुत तरीकों से की जा सकती है ना। कोई बोले सर जो आपने एल बाई ए की वैल्यू 1 की है ये इम्प्रॉपर तरीका है, अच्छा तरीका थोड़ी है, इसको और प्रिसाइज करना पड़ेगा। कोई बोले अच्छा आप बोल रहे हो सेल कांस्टेंट की वैल्यू एल बाई ए तो हम 1 करेंगे, तो बहुत सारे तरीके होते हैं। नहीं समझ रहे हो? मतलब इसको बोल देंगे 1/10^3, इसको भी 1/10^3, तब भी तो 1 आ रहा है, तो कोई वो अच्छी बात थोड़ी होती है, अजीब अजीब सा मतलब, तो ऐसा कोई एक प्रिसाइज चीज बताओ ना फिर। नहीं समझ रहे हो? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फिर कोई भी वैल्यू के लिए या सेम होगी तो 1 आ जाएगा, लेकिन हर वैल्यू के लिए अच्छा नहीं माना जाता, तो और प्रिसाइज चीज बता रहे हैं। देखिए हमारी बात सुनिए, वो ये बोलते हैं कि आपके पास अगर एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, सपोज करो उसमें इलेक्ट्रोलाइट भरा है, सुन लो भाई पहले, इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है, हमारी बात सुनिए अभी,
फील्ड है इलेक्ट्रोलाइट, बोलते हैं इसमें बहुत सारा इलेक्ट्रोलाइट भर दिया गया। तो जब डिफाइन करना होता है हमें ये, अच्छा और यहाँ पे एक डिवाइस लगाते हैं ऐसे ही, कंडक्टोमीटर, कंडक्टोमीटर डिवाइस होता है यहाँ पे, रुकिए अभी, कंडक्टोमीटर जो किसी सॉल्यूशन का कंडक्टर कंडक्टेंस नापता है। बोलते हैं एक बड़ा सा सॉल्यूशन जो तुम बोलोगे सर हमने बी कर लिया वो इतना बड़ा था, उसमें हमें मतलब सपोज करो जितने लोग ऑफलाइन बैठे हो और बहुत ऑनलाइन बैठे हैं, मान लो सबको हम इतना बड़ा बीकर दे दे, उसमें एक इलेक्ट्रोलाइट भर दे सेम कंसंट्रेशन का इलेक्ट्रोलाइट, या ठीक है कंसंट्रेशन उसका जो भी है, बोले बताओ स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी की वैल्यू क्या होगी। तो क्या होता है आपके पास क्या होगा, कंडक्टोमीटर डिवाइस आता है, वो कंडक्टोमीटर ले जाके उसमें डिप करना पड़ेगा। कंडक्टोमीटर क्या होता है, उसमें 1 सेंटीमीटर लेंथ की दो पैरेलल प्लेट्स होती है, 1 सेंटीमीटर की सेपरेशन पे सॉरी 1 सेंटीमीटर क्रॉस सेक्शनल एरिया की दो पैरेलल प्लेट्स होती है, और ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है इनकी दो पैरेलल प्लेट्स के बीच में 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस होता है। इसके अंदर जितना इलेक्ट्रोलाइट भरा जाता है उसकी कंडक्टेंस नाप लो, तो वही होता है ये जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, क्या बता रहे हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। सुनिए, टोटल कंडक्टेंस जो अभी आप थोड़ी देर पहले देखते थे, हम बोलते थे ऑफर्ड बाय एन इलेक्ट्रोलाइट, भाई उसको बोलते थे हम लोग कंडक्टेंस वाला, और ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस की डेफिनेशन बताने जा रहे हैं, फिर से सुनो, थोड़ा उल्टा पुल्टा बोल दिया। हम ये बोल रहे हैं कि आपके पास दो प्लेट्स हैं जिनका क्रॉस सेक्शनल एरिया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, दोनों के बीच में गैप कितना रखना है आपको 1 सेंटीमीटर का। तो जो कंडक्टोमीटर डिवाइस होता है वो डिवाइस ऐसे ही होता है, डिवाइस ऐसे होता है, आप इतना छोटा सा जो भी इतना बड़ा सा होगा छोटा सा, तो 2 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया की पैरेलल प्लेट्स होती है, उनके बीच में 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस होता है, क्यूबिकल बॉक्स नहीं बन गया। इसके अंदर जितना इलेक्ट्रोलाइट भरा होता है उसकी कंडक्टेंस नाप लेता है, वो बोलता है बस हो गया तुम्हारा यही स्पेसिफिक कंडक्टेंस है। बताओ एल बाई ए की वैल्यू 1 नहीं हो जाएगी, अबे 1 सेंटीमीटर L, L क्या है डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर, A क्या है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ प्लेट्स। तो जो कंडक्टोमीटर डिवाइस होता है ना उसको ले जाके कोई इलेक्ट्रोलाइट है उसमें डिप कर देते हैं, तो उसके अंदर इतना छोटा सा बॉक्स टाइप से होता है, बॉक्स इतना ही बड़ा होता है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया के प्लेट्स होती है, 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस है, जैसे होता नहीं ऐसे पानी भर के निकाल लो तो वैसे भर के वो निकाल लेता है, उसकी कंडक्टेंस मेजर कर लेता है डिवाइस से, बोलता है हो गया स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ढेर सारे अगर इतने बड़े बड़े बीकर रखते हैं उसमें ले जाके कंडक्टोमीटर डिप करो, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया की दो प्लेट्स होती है उनके बीच में 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस होता है, थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइट आ जाएगा उसके कंडक्टेंस नाप देगा, बोलेगा इसकी कंडक्टिविटी एक्स, चलो दूसरे में जाओ दूसरे में डिप करके निकालो, इसकी कंडक्टिविटी वाई हटाओ तीसरे में डिप करो, समझ में आ गया। तो प्रिसाइज डेफिनेशन क्या होती है स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी की, इसको ये बोलते हैं टोटल कंडक्टेंस ऑफर्ड बाय एन इलेक्ट्रोलाइट एनक्लोज्ड बिटवीन, है ना, टू पैरेलल प्लेट्स ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना, सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर। तो ये इस एल बाई ए की डेफिनेशन आप समझ में आ रही है कि ये भी वन ये भी वन, नहीं तो एल बाई ए अगर सिर्फ कोई यूनिटी बोल दे तो कोई बोले एल और एल बाई ए को हमें वन बनाना है तो इसकी कोई भी वैल्यू इसकी भी कोई वैल्यू ले सकते थे, वो कोई भी वैल्यू नहीं, एल बाई ए भी वन होना चाहिए, एल भी वन होना चाहिए, ए भी वन होना चाहिए, तब डिफाइन किया गया स्पेसिफिक कंडक्टेंस। समझ में आ रहा भैया, तो इसको बनाओ जरा फिर समझाए, कंडक्टोमीटर डिवाइस से नापा जाता है, जल्दी करिए। ये अलग से लेके आते हैं, ये बैटरी वैटरी का पार्ट नहीं है, जब एक्सपेरिमेंट हो रहा होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल काम कर रहा होता है उसी में ले जाके अपना कोई दूसरा आदमी आएगा डुबोएगा बोलेगा इसकी स्पेसिफिक कंडक्टेंस ही आएगा, तो आगे बढ़ जाओ, समझ रहे हो, कैलकुलेशन के लिए सेल अपना काम कर रहा होता है। हाँ उसके वही अलग से जल्दी करो कॉपी करो।
डेफिनेशन बताए. कॉपी करिए, ऐसे ही बनाइए. जल्दी करो भैया. लिखिए डेफिनेशन स्पेसिफिक कंडक्टेंस की या कंडक्टिविटी की. आप प्रिसाइज डेफिनेशन, टोटल कंडक्टेंस ऑफर्ड बाय टोटल कंडक्टेंस ऑफर्ड बाय एन इलेक्ट्रोलाइट, टोटल कंडक्टेंस ऑफर्ड बाय एन इलेक्ट्रोलाइट है ना, एनक्लोज्ड बिटवीन, enclosed between two parallel plates of cross sectional area 1 cm square, enclosed between two parallel plates of cross sectional area 1 cm square, enclosed between two parallel plates of cross sectional area 1 cm square hai na, separated by 1 cm डिस्टेंस एंड क्लोज बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 cm square सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 1 cm है ना, इज नोन एज कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस, इज नोन एज कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस. आप समझ में आया भैया, L बाई ए भी 1 होना चाहिए, L भी 1 होना चाहिए, A भी होना चाहिए 1. और ये जल्दी से करके बताओ, मीटर नहीं है वो, सेंटीमीटर इनवर्स है. कोई बोले सर क्या 1 मीटर 1 मीटर नहीं ले सकते, ले लो इतना बड़ा बड़ा कौन सा कंडक्टोमीटर डिवाइस लेके आ रहे हो, आदमी 2-4 आदमी लगेंगे उसको लाने में. नहीं समझ रहे हो, मतलब एक प्रोटोटाइप मतलब छोटा सा होता है. नहीं कोई बोले आपने 1 cm 1 cm लिया है, हम 1 मीटर 1 मीटर लेंगे, ले लो इतना बड़ा लाद के लेके आना सर पे. समझ रहे हो, जल्दी करो इसको कॉपी करो. हो गया L by A. ये होती है डेफिनेशन इसकी कंडक्टिविटी की. अब आगे चल के लिखिए, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन द वैल्यू ऑफ कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी. इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन द वैल्यू ऑफ कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी. इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन, डाइल्यूशन ऑन द वैल्यू ऑफ कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी. ठीक है, तो इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन कंडक्टेंस बताने जा रहे हैं हम. कंडक्टेंस पहले, कंडक्टेंस बता देते हैं. डाइल्यूशन से क्या फर्क पड़ेगा कंडक्टेंस पे? इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन कंडक्टेंस, जल्दी करो भाई. बताए, अबे जल्दी बताओ भाई, कर लिए? हाँ, इसमें भी बड़े मतलब थोड़ा सा दो पॉसिबिलिटीज आती है. कोई बोले कि सर जो आपने इलेक्ट्रोलाइट बनाया हुआ है जिसमें इलेक्ट्रोलिटिक, जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल काम करवा रहे हो आप, उसमें इलेक्ट्रोलाइट होगा. वो इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, वो इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो. वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या होता है, जैसे वीक एसिड है, एसिटिक एसिड कितना आयनाइज करता है, हार्डली 3-4% 5% आयनाइज करता है. आपको कराया है आयनिक इक्विलिब्रियम में, 0.1 मोलर एसिटिक एसिड, 1 मोलर एसिटिक एसिड, ये 3-4% आयनाइज करते हैं. वीक इलेक्ट्रोलाइट है ये,
और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वैसे होते हैं जो ऑलमोस्ट 100% आयनाइज करते थे, तो 100% नहीं, ऑलमोस्ट 100%। कहने के लिए हम लोग बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl पूरा 100% आयनाइज कर जाता है, लेकिन पूरा आयनाइज थोड़ी करेगा, तो उसमें कोवेलेंट करेक्टर भी तो होता है। फजान रूल जानते हो, तो HCl में कोवेलेंट बॉन्ड भी आप बोलते हो, अब बोलते हो पूरा आयनाइज भी कर जाएगा, ये बदतमीजी नहीं है? मतलब तुम बोल रहे हो कोवेलेंट बॉन्ड है, अब बोल रहे पूरा आयनाइज कर गया, तो कोवेलेंट कैसा, आयनिक नहीं बोल सकते थे? इसका मतलब वो 100%, कोई जरूरी नहीं कि कोई भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो तो 100% आयनाइज करता हो, 99-95% बोल सकते हैं, 95% मान ले कैलकुलेशन के लिए। ऑनलाइन वालों समझ में आ रहा है दोस्त, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आयनाइजर्स ऑलमोस्ट 100%, या आयनाइज्ड पार्ट जो होता है वो लार्जली डोमिनेट करता है ओवर अनआयनाइज्ड पार्ट। समझ में आ रहा है ऑनलाइन वाले? यस सर। हाँ दोस्त, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट में डिफरेंस क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं उसमें आयनाइज्ड पार्ट लार्जली डोमिनेट्स ओवर अनआयनाइज्ड पार्ट। मतलब 1 मोल HCl लोगे तो 0.8-0.9 मोल HCl बोलेंगे आयनाइज हो चुका है, 0.1 मोल हो सकता है ना आयनाइज हुआ हो। और वैसे वीक इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं तो बोलते हैं कि उसमें परसेंटेज आयनाइज पार्ट जो होता है बहुत कम होता है, जैसे एसिटिक एसिड ले लो, हार्डली 5% आयनाइज करता है, वो 95% अनआयनाइज होता है। ठीक है, डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है? पानी डालना, वाटर का एडिशन बोलते हो, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ पढ़ाए तुम लोगों को, जानते हो कि नहीं? ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ के हिसाब से हम लोग क्या बोलते हैं, कोई भी वीक इलेक्ट्रोलाइट है अगर उसमें पानी डालते जाओगे तो आयनाइज होता जाता है वो। एसिटिक एसिड का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा 0.9 भी होता है, 90% भी आयनाइज कर जाता है। कब? जब बहुत सारा पानी उसमें डालने लगो तब। बताएं क्या ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ? ऑनलाइन वालों तुमको समझ में आ रहा है ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, याद है? यस सर। अच्छा ठीक है, तो इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन कंडक्टेंस पे हम सबसे पहले आते हैं। ए पार्ट इसमें लिखते हैं फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ये थेरेटिकल है भैया, इसका कोई न्यूमेरिकल वो नहीं है, थियरी है पूरी। फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, समझ रहे हो, इतना लिखो जल्दी से लिखो, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लिखिए भाई, वही कहीं ब्रैकेट में लिख लेना। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं दे आर ऑलरेडी आयनाइज अराउंड 90-95%, ऐसे मान लो। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है कि वो ज्यादा आयनाइज होते हैं ना, पहले से ही काफी आयनाइज होते हैं, मान लो यहाँ के लिए कि 90% आयनाइज होते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं दे आर ऑलरेडी आयनाइज टू अ सर्टेन एक्सटेंट, मतलब काफी ज्यादा, टू अ लार्ज एक्सटेंट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पता है ना तुम लोगों को, दे आर ऑलरेडी आयनाइज टू अ लार्ज एक्सटेंट, काफी ज्यादा एक्सटेंट में आयनाइज करते हैं। एक बात बताओ, एक सॉल्यूशन है ऐसे जिसमें सपोज करो हमने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट भर दिया, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मान लो 90% आयनाइज्ड है, ये 90% आयनाइज्ड है, ठीक पहले ही। अब इसी में तुम 1 मिलियन लीटर वाटर ऐड कर दे रहे हो, कोई बोले 1 मिलियन लीटर वाटर मतलब 10^6 लीटर वाटर ऐड कर दे रहे हो, तो इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ वाटर हो गया ये। तो इसके ऐड करने के बाद दुनिया का कोई भी इलेक्ट्रोलाइट हो क्या वो 100% आयनाइज कर जाएगा, करेगा कि नहीं करेगा? अबे जब इतना पानी ऐड करोगे तो क्या होगा ये अराउंड, अब कितना बोल देंगे इसको, अराउंड क्या हो जाएगा ये, अप्रोक्सीमेटली 100% आयनाइज। बताओ दोस्त, क्या ऑनलाइन वाले तुमको समझ में आ रहा है ये? यस सर। तो एक बात बताओ, पहले था 90% आयनाइज, इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ वाटर जिसको 10^6 लीटर, 10^6 का मतलब 1 मिलियन, 10 लाख लीटर पानी डाल दिया, मतलब इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ वाटर डालने पे वो आयनाइज हो गया। तो कंडक्टेंस तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आयंस होता है, बताओ कंडक्टेंस बढ़ी या घटी? बढ़ जाएगी ना, साले आयंस नहीं बढ़ रहे, तो जब आयंस बढ़ेंगे तो कंडक्टेंस नहीं बढ़ेगी, तो द वैल्यू ऑफ कंडक्टेंस इंक्रीजेस,
ऐसे बना लो और लिख लो इस केस में द वैल्यू ऑफ कंडक्टेंस इंक्रीजेस बिकॉज देर आर इंक्रीज इन नंबर ऑफ आयंस. द वैल्यू ऑफ कंडक्टेंस इंक्रीजेस. अरे ऑनलाइन वालों कोई कुछ आर्गुमेंट तो नहीं करना तुम लोगों को, समझ में आ रहा है भैया? ये सर आ रहा है. अच्छा ठीक है, तो लिख लो द वैल्यू ऑफ कंडक्टेंस इंक्रीजेस बिकॉज नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज हो रहे हैं. द वैल्यू ऑफ कंडक्टेंस इंक्रीजेस बिकॉज नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज हो रहे हैं. ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ के अकॉर्डिंग कोई भी इलेक्ट्रोलाइट अगर उसमें ढेर सारा पानी डाला जाता है तो उसका आयनाइजेशन बढ़ जाता है, चाहे वो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट हो. अब स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट में नंबर ऑफ आयंस जो है वो बढ़ेंगे क्योंकि तो वैसे आयनाइज तो पूरा रहता ही है, वो थोड़ा थोड़ा बहुत बचा रहता है बस. बताओ भैया हो गया? आगे बताया दोस्त. अब मेरे भाई एक बात बताओ, सुन तो लो पहले सब लोग. बी पार्टी के फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट लिखा बी पार्ट. अरे ए पार्ट खत्म है, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट लिखो. अब वीक कितना एनालाइज करता है ऑन एन एवरेज वीक इलेक्ट्रोलाइट? अरे 5% मान लो, ठीक है, जैसे एसिडिक एसिड है 5% एनालाइज करेगा. जब उसमें 10^6 लीटर पानी डालोगे अब कितना एनालाइज करेगा? 100%. अबे तो 5% से 100% हो गया तो इसमें भी कंडक्टेंस की वैल्यू इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? इंक्रीज होगी ना. तो लिख लो द वैल्यू ऑफ कंडक्टेंस इंक्रीजेस, द वैल्यू ऑफ कंडक्टेंस इंक्रीजेस. कंडक्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आयंस बताए थे. ऑनलाइन वालों भैया तुम लोग नहीं बता रहे हो कुछ, समझ में आ रहा है? यस सर आ रहा है. बहुत देर में बोलते हो, माइक ऑन करने में तुम लोग को टाइम लगता है क्या? चलो आगे बताएं. अब हमको एक बात बताओ, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में भी कंडक्टेंस इंक्रीज हुआ है डाइल्यूशन से, वीक इलेक्ट्रोलाइट में भी कंडक्टेंस इंक्रीज हुआ है डाइल्यूशन से, तो इंक्रीज इन कंडक्टेंस किसमें ज्यादा इंक्रीज हुआ है? इंक्रीज इन कंडक्टेंस किसमें ज्यादा इंक्रीज हुआ है? वीक इलेक्ट्रोलाइट में ना. तो फॉर सेम अमाउंट ऑफ डाइल्यूशन द इंक्रीज इन कंडक्टेंस इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज हायर एज कंपेयर टू इंक्रीज इन कंडक्टेंस इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. ऑनलाइन वालों लैंग्वेज समझ रहे हो, वर्ड समझ रहे हो? यस सर. लिखिए फॉर सेम अमाउंट ऑफ डाइल्यूशन, फॉर सेम अमाउंट ऑफ डाइल्यूशन, फॉर सेम अमाउंट ऑफ डाइल्यूशन रिजल्ट है ये. फॉर सेम अमाउंट ऑफ डाइल्यूशन द वैल्यू ऑफ, फॉर सेम अमाउंट ऑफ डाइल्यूशन द वैल्यू ऑफ इंक्रीज इन कंडक्टेंस, for same amount of dilution the value of increase in conductance of weak electrolyte, the value of increase in conductance of weak electrolyte is higher, the value of increase in conductance of weak electrolyte is higher, the value of increase in conductance of weak electrolyte is higher, the value of increase in conductance of weak electrolyte is higher as compared to, as compared to increase in conductance of strong electrolyte, as compared to increase in conductance of strong electrolyte, as compared to increase in conductance of strong electrolyte, as compared to increase in conductance of strong electrolyte. समझ रहे हो भैया? ऑनलाइन वालों समझ में आ रहा है तुम लोगों को? यस सर. यस सर. चलिए हेडिंग लिखिए फिर, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन कंडक्टिविटी. ये कंडक्टेंस हो गया, अब लिखो इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन कंडक्टिविटी कप्पा पे.
इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन कंडक्टिविटी, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन कंडक्टिविटी, ठीक है, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन कंडक्टिविटी। पहले रिजल्ट लिखवा देते हैं फिर समझाएंगे। लिखो द वैल्यू ऑफ कंडक्टिविटी, द वैल्यू ऑफ कंडक्टिविटी डिक्रीजेस, डिक्रीजेस, हाईलाइट कर लेना, डिक्रीजेस है ना, ऑन डाइल्यूशन, ऑन इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ऐसे इनफाइनाइट डाइल्यूशन लिखना, द वैल्यू ऑफ conductivity decreases on infinite dilution, the value of conductivity decreases on infinite dilution both for the strong electrolyte and weak electrolyte, the value of conductivity decreases at infinite dilution, the value of conductivity decreases at infinite dilution, the value of conductivity decreases at infinite dilution both for the strong electrolyte and weak electrolyte, ठीक है भैया। लॉजिक बताते हैं हम आपको, लॉजिक, लॉजिक। और इसमें भी अभी तुमसे पूछेंगे कि तुम बोल रहे हो भैया दोनों के केस में डिक्रीज हो रही साले कि नहीं हो रही, डिक्रीज हो रही ना, किसके केस में ज्यादा डिक्रीज होगी, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में? ऑनलाइन वालों कोई कुछ बताओगे हमको, कोई कुछ बताओगे क्या? हमें बताएं सर, जब आयंस बढ़ जा रहे हैं और वॉल्यूम भी ज्यादा हो जा रहा है तो नंबर ऑफ आयंस जो घट जाएंगे पर मीटर क्यूब के हिसाब से, तो कंडक्टिविटी घट जानी चाहिए। एक लोग कुछ बता रहे हैं, इतना बड़ा बीकर, मतलब सपोज करो, सपोज करो यहां पे क्या था, अबे इलेक्ट्रोलाइट था ना, ये इलेक्ट्रोलाइट है। अच्छा एक बात बताओ, जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी होता है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी, क्या हम उसको बोल सकते हैं टोटल कंडक्टेंस ऑफर्ड बाय अ सॉल्यूशन इन यूनिट वॉल्यूम, यूनिट वॉल्यूम इलेक्ट्रोलाइट, यूनिट वॉल्यूम इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या है? अबे ये क्या है जो हमने क्यूब बनाया है, यूनिट वॉल्यूम है कि नहीं? वॉल्यूम वन है इसका, वन सेंटीमीटर क्यूब। तो इस वन सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में जितना इलेक्ट्रोलाइट है उसकी कंडक्टेंस को कंडक्टिविटी बोलते हैं? पहले तो ये बताओ, अब बताओ भैया ऑनलाइन बोलो, हाँ ना, ऐसे बोलते रहा करो। यस सर, ये बता रहे हैं कि ऐसा है, यहाँ पे इससे सर एक मिनट, ये यूनिट वॉल्यूम इलेक्ट्रोलाइट। तो तुम लोग ये बोल रहे हो कि सर इस यूनिट वॉल्यूम इलेक्ट्रोलाइट, मतलब वन सेंटीमीटर क्यूब क्रॉस सेक्शनल जो भी है ये है, इसके अंदर जितना भी इलेक्ट्रोलाइट है उसका कंडक्टेंस नापा हमने, समझ गए? तो पहले तो एक काम करो, मान लो NaCl है, NaCl पहले कितना आयनाइज है? 90% आयनाइज है। तो उस केस में यहां पे नंबर ऑफ आयंस कुछ होंगे, बताओ भैया, जब वो 100% आयनाइज कर गया तो वॉल्यूम कितना हो गया है? वॉल्यूम बहुत ज्यादा नहीं हो गया है? मतलब जैसे हम तुमको बोले, ध्यान से सुनो, तुम मान लो 10 लोग बैठे हो, मान लो कोई 10 पीपल हैं, ठीक, या 100 पीपल हैं, यहाँ पे 100 पीपल को हमने बोला कि इसी रूम में बैठ जाओ, ठीक है, और हम इस रूम में फिर इतनी डिस्टेंस में जाके हम पर हेड काउंट कर रहे हैं, तो दो चार लोग मिल जाओगे हमको इतने दूर में, इतने दूर में। अब इन्हीं 100 पीपल को हम बोल देते हैं पूरे कानपुर में स्प्रेड कर जाओ, ठीक है, और फिर हम इतनी जगह में आदमी खोजने जाएंगे तो बहुत कम लोग मिलेंगे हमको, या मिलेंगे ही नहीं कोई, मान लो मिलेंगे एक आध आदमी मिलेगा। वही चीज यहाँ हो रही है। पहले क्या था कि इतने वॉल्यूम में कुछ आयंस थे NaCl के, थे ना, कुछ Na प्लस रहे होंगे, कुछ Cl माइनस रहे होंगे। अब तुमने इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ वाटर डाल दिया, सब फैल गया एकदम, तो इस यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ आयंस मिलने की प्रोबेबिलिटी कम नहीं हो जाएगी? बताओ भाई ऑनलाइन वाले, लॉजिकल सा बता रहे हैं, जो आप बता रहे हो वो भी सही हो सकता है, ठीक है, लॉजिकल सा नहीं समझ में आ रहा है कि लार्ज वॉल्यूम होने की वजह से
इस पर्टिकुलर यूनिट वॉल्यूम में, क्योंकि कंडक्टोमीटर डालोगे जब ऐसे बताया था डिवाइस, जाके ऐसे पानी में गिराओगे जैसे चम्मच होता है ऐसे डालोगे, हाँ भैया आ गया उसी में हमें देखना है, तो जब भाई इतना सा Na प्लस और Cl माइनस थे, अब उसको बहुत बड़े 1 मोल NaCl है, उसको तुम 1,00,000 लीटर पानी में डाल दो तो आयनाइज तो पूरा हो जाएगा नो डाउट, लेकिन छोटे से वॉल्यूम में पता नहीं तुमको Na प्लस मिले ना मिले, Cl माइनस मिले ना मिले, तो क्या कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी डिक्रीज होती नजर आ रही है? बताओ ऑनलाइन वालों, तुम लोग बताओ भैया, डिक्रीज होती नजर आ रही है? वैसे वीक इलेक्ट्रोलाइट में, वीक इलेक्ट्रोलाइट में प्लस पॉइंट ये है कि पहले 5% आयनाइज कर रहा था, ठीक 5%, तो 5% आयनाइज करने की वजह से मान लो यहाँ पे 2-4 आयन हुआ करते थे, अब तुमने इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ वाटर डाल दिया तो 100% आयनाइज कर गया, तो नंबर ऑफ आयन एक्चुअली में बहुत बढ़ गए। NaCl वाले में कितने बढ़े थे? 90% से 100% हुआ था, नंबर ऑफ आयन उसमें कम बढ़े थे, वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ा था। ऐसे सोचो, हम आपसे पूछे NaCl है और एसिटिक एसिड है, तो NaCl वाले में जो नंबर ऑफ आयंस का इंक्रीज था वो कम था ना, 90% से जस्ट 100% हुए हैं, और एसिटिक एसिड वाले में 5% से 100% हो गया, तो नंबर ऑफ आयंस उसमें ज्यादा बढ़े हैं, वॉल्यूम दोनों में सेम बढ़ा है, लेकिन एक पर्टिकुलर लेवल से जो इंक्रीज आप देख रहे हो 90 से 100 और 5 से 100, तो इसका मतलब है कि डिक्रीज दोनों में होगा, लेकिन एसिटिक एसिड वाले में थोड़ा सा कम डिक्रीज होगा। नहीं समझ रहे हो, क्योंकि उसमें आयंस ज्यादा बढ़ गए ना, तो मिलने के चांसेस तो होंगे ही। अरे ऑनलाइन वालों समझ रहे हो मैं कि डिक्रीज जो हुआ है कंडक्टिविटी का वो दोनों में हुआ है, लेकिन NaCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में जो डिक्रीज है वो ज्यादा डिक्रीज है कंडक्टिविटी का, एसिटिक एसिड वाले में उतना ज्यादा डिक्रीज नहीं है। आप बताओ ऑनलाइन वालों, तुम लोग बताओ, समझ में आ रहा है कुछ? बता नहीं रहे साले है? Yes, sir. क्या कह रहे हो, फिर से बोलो। नहीं तुम, अरे पहले के रिस्पेक्ट में चेक करो ना, पहले के रिस्पेक्ट में चेक करो भैया, ठीक है दोस्त। बाकी हम इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास में मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, और आगे चल के बताना है, ज्यादा से ज्यादा इसी वीक में फिनिश हो जाएगा ये, है ना, इसी वीक में फिनिश, फिर और आपको बताएंगे। अभी आप लोग ब्रेक ले लीजिए, थैंक यू वेरी मच, कुछ डाउट है तो पूछे, है भैया, ब्रेक ले लो। हाँ दोस्त, थैंक यू, थैंक यू।